यस सर, वेरी वेलकम टू एवरीवन। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। एंड फेयरली अगर आपको याद होगा तो ओल्ड टैक्स स्कीम राइट, वो हमने ऑलरेडी क्या कर दी, खत्म। लेट मी गेट टू अ क्विक रिवीजन। यस, मैं एक बार आपके साथ क्विक रिवीजन की ओर चल लेता हूं। सबसे पहले कुछ बातें याद दिला दो, ठीक है, कुछ बातें याद दिला दो। हम लोग लगभग एक हफ्ता खत्म करने आ रहे हैं राइट, तो कुछ बातें फटाफट मेरे को एक बार क्विकली याद दिलाना है। इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, फिर 1961 आया, रूल्स आया 1962, क्लियर है। अच्छा, इज एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, आंसर इज येस, इंडिया एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इनकम इज डिफाइंड, इनकम की रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, लीगैलिटी, इललीगैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिसीट, एंड यू क्लासिफाई द रिसीट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, येस और नो। देर आर फाइव हेड्स ऑल टुगेदर कंबाइंड, आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ एडजस्टमेंट यू गेट ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से डिडक्शन निकाल दे यू गेट टोटल इनकम। वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम, यस। इनकम टैक्स पे करना पड़ता है असेसमेंट ईयर में ऑन द टोटल इनकम जनरेटेड इन द प्रीवियस ईयर, यस और नो। सो जनरली इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर राइट। इसके कुछ एक्सेप्शन है पांच, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, देन क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। ऑल ऑफ देम हैड टू पे टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, एल्स एवरीवन हैज टू पे टैक्स इन असेसमेंट ईयर। फिर याद होगा तो क्विकली हमने पर्सन के डेफिनेशन को पढ़ा था और असेसमेंट के डेफिनेशन को पढ़ा था। पर्सन का जो डेफिनेशन था 231 के अंदर में लिखा था इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, फर्म ऑलवेज इंक्लूड एलएलपी बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 44AD 44ADA, याद आ रहा है मालिक आपको। फिर कंपनी, AOPBY, लोकल अथॉरिटी AJP, यहां से हम गए थे असेसी की डेफिनेशन में, बिकॉज एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यू जस्ट गेट द वर्ड असेसी रादर देन यू गेट द वर्ड पर्सन, यस। और सारे असेसमेंट प्रोसीजर्स जितने भी चैप्टर हैं वो सारे इधर से ही कनेक्टेड है। सभी लोगों से मैं पूछता हूँ, बताइए असेसी मीन्स एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम, याद आ रहा है ये कैसे डिराइव हुई थी डेफिनेशन, और एनी अदर सम अंडर द एक्ट। सो नॉट जस्ट टैक्स, यू आर ऑल्सो लाइबल फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी राइट। इसके बाद हम लोगों ने देखा था और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन इफ ही इज लाइबल फॉर हिज इनकम और लॉस डीम टू बी एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट, ये सब एसएससी के अंदर में आ गए। फिर हमने रेट्स देखने शुरू किए थे, बराबर है। इनकम टैक्स में दो तरह के रेट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेट, दूसरा होता है स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट इज स्पेसिफाइड इन, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, नॉर्मल रेट इज स्पेसिफाइड इन, एक मिनट, कुछ बच्चे को पता नहीं है कि YouTube पे चालू है या नहीं, बट इट्स ऑलरेडी ऑन ऑन YouTube, यस इट्स ऑलरेडी ऑन। चलिए, नॉर्मल रेट इज स्पेसिफाइड इन, बताओ जल्दी से कहां पे, इनकम टैक्स एक्ट, वेर एज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, सॉरी नॉर्मल रेट आर स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट, वेर एज इनकम टैक्स इज स्पेसिफाइड इन, बोलो जल्दी से, इनकम टैक्स एक्ट। फिर हम लोगों ने देखा था अब तक ऐसा होता था कि एक ओल्ड टैक्सेशन स्कीम थी और एक न्यू ऑल्टरनेट टैक्सेशन स्कीम थी, क्लियर है। सरकार ने इस बार सीधा स्वैप कर दिया, जो ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम थी 115 BAC BAD BAA BAB, उसको डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बना दिया, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स था जो तुम इंटर से पढ़ के आए हो उसको क्या बना दिया, ऑप्शनल बना दिया। मतलब अब जो हम नॉर्मल स्लैब रेट से कैलकुलेट किया करते थे इंटर से लेके अब तक, वो अब ऑप्शनल बन जाएगा, आपने ऑप्ट किया तो वो आएगा, अदरवाइज आपका डिफॉल्ट टैक्सेशन स्कीम क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। फिर हम लोगों ने एक भरपूर जबरदस्त बड़ा वाला चार्ट बनाया था, चार्ट के अंदर में देखो हम लोगों ने देखा था अगर एसएससी नॉन रेसिडेंट है, अगर एसएससी क्या है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट नॉन सीनियर सिटीजन है, एचयूएफ एओपी बीओआई अप टू 250,000 नील, 250,000 टू 5 लाख, 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड अबाउट 10 लाख 30%, यस और नो राइट। यही सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख था एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख था, क्लियर। फिर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हमें 6 चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, एक एक चीज को बड़े बारीकी से देखा था हमने। हमारा काम बड़ा सिंपल किया हमने, पहले ओल्ड टैक्स जैसे हम पढ़ते आए उसको रिफ्रेश किया, और अब आज से हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स में जाएंगे, ठीक है। चलो राइट, ओके, सो हम कहाँ गए, टैक्स पढ़ने के लिए। टैक्स में HEC ऐड होता है एट द रेट ऑफ 4%, इनकम एंड टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। देन तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी रिबेट, रिबेट बदला है क्या, नहीं,
रिबेट हमारा उतना ही है. अगर इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख द रिबेट इज लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500. ठीक है. चौथा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल रेट ऑफ टैक्स. स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हमारे नोट्स में जितने लिखे हैं उनमें से पहले ही चार पढ़े हमने. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 112 ए 10% बियॉन्ड रुपीज 1 लाख एंड कैजुअल इनकम 30%. यहां तक के ठीक है मालिक. इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमने देखा था इफ असेसी हैज अ स्पेशल इनकम एंड कैनॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड कैनॉट एब्जॉर्ब, बोलो जल्दी से, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन बोलो. स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. बट क्या ये कैजुअल इनकम के लिए है? नहीं. क्या ये एडजस्टमेंट नॉन रेसिडेंट के लिए है? नहीं. याद आ रहा है? फिर हम लोगों ने सरचार्ज देखा था. गूगल कहता है सरचार्ज 25% हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया बेटा सुन रुक, नॉर्मल स्कीम अलग है और 115 बीएससी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स अलग है. आज का लेक्चर अगर तुमने देख लिया तुमको सब क्लैरिफाई हो जाएगा पूरा ए टू जेड और तुम बोलोगे सर फुल रिस्पेक्ट मजा आ गया. ठीक है. फिर अगर आपको याद हो 50 लाख तक के कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख टू 1 करोड़ एवरीबॉडी 10% अक्रॉस एनी काइंड ऑफ इनकम, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% अक्रॉस एनी काइंड ऑफ इनकम, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 15% एंड 25%, 15% फॉर डिविडेंड एनी कैपिटल गेन इन लॉन्ग टर्म नेचर, शॉर्ट टर्म के लिए भी 15%, अदर्स के लिए पूरा का पूरा कितना परसेंट बोलो जल्दी से, 25%. यस. अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो 15% एंड अदर्स के लिए 37%. अगर आपकी नॉर्मल प्लस ये चार कैटेगरी की स्पेशल इनकम, राइट, जिसमें डिविडेंड स्पेशल नहीं है पर हम सरचार्ज पर्पज के लिए स्पेशल बोल रहे हैं, ये चार कैटेगरी ऑफ इनकम और ये मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही एंड नॉट कवर्ड इन फोर्थ और फिफ्थ सिचुएशन, हम इसको 15% सरचार्ज पे रखते हैं. यहां तक के सॉर्टेड है. इन हर एक एडजस्टमेंट पे एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया आपके लिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. डन. चलो यहां तक के हम लोगों ने पढ़ा है. यस. यहां तक के हम लोगों ने पढ़ा है. फिर लास्ट चीज आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने मार्जिनल रिलीफ नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट. अगर एसएससी का टैक्स पेबल उसके मार्जिनल इनकम अर्न्ड से ऊपर है तो आपका जो टैक्स पेबल है उसको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा आफ्टर अप्लाइंग मार्जिनल रिलीफ. यस. मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हर एक एडजस्टमेंट हम लोगों ने किए थे. फिर हम आगे बढ़े थे. हम लोगों ने देखा था टैक्स रेट्स फॉर अदर फर्म के लिए टैक्स रेट है 30%, सरचार्ज है 12%, सेस है 4%. कंपनी के लिए डिपेंड करता है डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी 40%, सरचार्ज 2 और 5, सेस 4%. क्लियर है. डोमेस्टिक कंपनी अगर टर्नओवर 21-22 में 400 करोड़ से नीचे है तो 25% 7 और 12% सरचार्ज, अदरवाइज 30% 7 और 12% सरचार्ज. क्लियर है मालिक. फिर हम लोग गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए. कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस के ऊपर 30%. याद आ रहा है सभी को? हाँ या ना? राइट. सरचार्ज जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी का 7% एंड 12% एंड एचईसी जो था वो कितना था बेटा 4%. सभी लोगों को याद आ रहा है? इतना सब खत्म किया हम लोगों ने. यस. आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है याद होगा तो, राइट, क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 उसको भी आज हम लोग को जाने से पहले देखना है. चलो फ्रेश आए हो तो मुझे आज तुमसे बहुत सारी बातें करनी है. मार्जिनल रिलीफ क्या हर एसएससी के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज यस. मार्जिनल रिलीफ हर एसएससी के लिए एप्लीकेबल है. हालांकि फर्म और टैक्सेशन से रिलेटेड मार्जिनल रिलीफ के जो क्वेश्चन है वो टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ एओपी एंड टैक्सेशन ऑफ कंपनीज के टाइम पे देखेंगे जरूरत पड़ती है तो. ठीक है. ओके. अब ये सारी वो टैक्स स्कीम थी जो आप अपने इनकम टैक्स के फर्स्ट डे से पढ़ते आए हो जब आप इंटर में थे. इंटर में थे जो आप टैक्स निकालते थे ये था रेगुलर टैक्स स्कीम. इन 2019 आपको याद होगा तो ऑर्डिनेंस पास करके यूएसए गवर्नमेंट से इंस्पायर होके हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लेकर के आया. ठीक है. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स की. जरा ध्यान से सुनिएगा. अल्टरनेट टैक्स स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, यही स्कीम क्या बन चुकी है?
डिफॉल्ट स्कीम, तो एक नया पेज लेना, नए पेज से ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम चालू करना, ठीक है, और इसमें भयानक चेंज है, तो एक एक पॉइंट अच्छे से, आज का लेक्चर जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे जीडीपीडी में देख रहे होंगे बिल्कुल स्पीड में मत देखना, मतलब 1 की ही स्पीड रखना, 1.25 भी मत करना, अदरवाइज तुम्हारी आदत है 1.5 की, मैं जानता हूं, और 2 की भी, पर आज मत करना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, अब यही डिफॉल्ट स्कीम है, सो बिलीव मी Unless and until you opt for the other scheme, जहां पे आप नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालें, आपको हर बार जब भी टैक्स कैलकुलेशन बोला जाए अब आप इस तरीके से ही निकालेंगे। वापस से एक बार फिर से कह दूं, जब पिछले साल तक के असेसमेंट ईयर 23-24 तक के क्या होता था, आप नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालते थे और इन्हें ऑल्टरनेटिव टैक्स कहा जाता था। निर्मला सीतारमन जी को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला स्वाइप, उन्होंने क्या बोला स्वाइप। अब ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आपकी डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है और ये जो टैक्स स्कीम है ये आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी, जो पहले निकालते थे वो। आप ये पूछेंगे कि सर ये ऑप्ट करना मतलब एग्जैक्टली क्या है, क्या हमें कोई फॉर्म भरना है, क्या हमें कोई कंप्लायंस करना है, क्या इनकम टैक्स के हिसाब से कोई ड्यू डेट पे कंप्लायंस करना है। लेट मी टेल यू ऑप्ट करने का मतलब क्या है। आप जब ITR भरते हैं ITR में एक ऑप्शन आता है वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, आपको सिलेक्ट करना है यस और नो, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्ट। आपको कुछ और नहीं करना, कोई अदर से फॉर्म नहीं भरना, कोई ड्यू डेट याद नहीं रखना, ऑप्ट का मतलब बड़ा क्लियर है, उस डेट को याद रखना, क्लियर है, उस फॉर्म में उसको भरते वक्त याद रखना। अच्छा जी, सो डिफॉल्ट स्कीम, डिफॉल्ट स्कीम का मीनिंग क्या है, डिफॉल्ट स्कीम का मीनिंग है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड with effect from assessment year 24-25, with effect from assessment year 24-25, tax shall be calculated as per the below sections unless it is specifically mentioned that calculate as per the old scheme. तो इस लेक्चर में समझने के लिए आसान भाषा में हम अब इसको दो शब्द समझ लेते हैं, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम, ठीक है। हियर एंड आफ्टर मैं ऑल्टरनेटिव टैक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव था वो मेन हो गया है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम अपने लेक्चर में एक क्लैरिटी ले लेते हैं। व्हेन आई से ओल्ड स्कीम यू मीन पुराने वाले तीन अलग अलग स्लैब, व्हेन आई से न्यू स्कीम हम 115 की सीरीज की बात कर रहे हैं, क्लियर है। सो इस बात को और क्लियर रखने के लिए Herein after, new scheme means 115 BAC, BAD, BAA, BAB, BAE. Old scheme, जिनको हम किस तरह से याद रखते हैं, slab rate. So here in after मैंने आपसे जब भी न्यू स्कीम कहा आपने ये सीरीज को याद रखना है, ओल्ड स्कीम कहा मतलब ये सीरीज को याद रखना है। आप जो नोट्स बना रहे हैं ये आपके पर्सनलाइज नोट्स है, मेक इट रियली गुड। और लास्ट डे पे मैं आपको बता रहा हूं आपको किसी अदर चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सेम चीज जो शॉर्ट में है ये मैंने डीटी चार्ट्स में डाल दिया है। डीटी चार्ट्स में और इस नोट्स में सिर्फ एक फर्क रहेगा, इसके अंदर में जो प्रॉब्लम्स और आंसर्स लिखे वो गायब हो जाएगा, ये आपके लिए लास्ट डे का बुक बन जाएगा चार्ट। तो आप अगर सेल्फ आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो यार मैं अलग से डीटी के नोट्स बना लेता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, डोंट वरी, ये मैंने सब करके रखा है, आप सिर्फ पढ़ लेना, इतना ही काफी करना। आपने सिर्फ क्या करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। मेरी इस लेक्चर से एक ही सीध याद रखना, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स द चांसेस आर हाई दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन। समझ में आ रही बात, ओके। सो न्यू स्कीम, अब ये न्यू स्कीम में क्या आ गया,
देखिए न्यू स्कीम के अंदर में सबसे पहले आया सेक्शन 115 बीएसी, फिर आया सेक्शन 115 बीएए, फिर आया 115 बीएबी, फिर आया 115 बीएडी और रिसेंटली 115 बीएई इंट्रोड्यूस किया गया है. यस ऑर नो? सो व्हेन आई से न्यू स्कीम यू हैव टू लर्न ऑल दी सेक्शंस. डन. योर फर्स्ट क्वेश्चन, सर कौन सा किसके लिए है ये तो बता दो. सर कौन सा किसके लिए है ये तो बता दो. आओ बता देता हूं, अमेंडमेंट भी साथ साथ में सिखा देता हूं. ठीक है, जब तक कुछ ना बोलो लिखना मत इसके आगे. टिल 2023-24 असेसमेंट ईयर, दैट इज लास्ट ईयर, सेक्शन 115 बीएसी वॉज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. ध्यान से सुनना, यानी 23 असेसमेंट लिखना मत, 23-24 तक ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल था. 23-24 तक ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल था. 23-24 तक ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल था. ठीक है भाई साहब, अब मुझे बताइए 24-25 असेसमेंट ईयर में What is the change government has done? What is the change government has done? Government has made this scheme a mandatory scheme. Yes. So don't you think who are left out? Firm, AOP BOI, company, cooperative society. Clear? These are all left out. इंडिविजुअल एच यू एफ ए पी बी ओ आई ए जे पी अदर देन कोऑपरेटिव. पहला अमेंडमेंट समझ में आया? एंड बिलीव मी मैं आपको बताऊं डिफरेंस समझाऊं. आप जब 3-4 बुक इनकम टैक्स के अलग अलग सेक्शन खोल के देखोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का चेंज उनने ला दिया है. मतलब ऐसा नहीं इनने ला करके एक जगह लिख दिया, इस बुक में अलग, उस बुक में अलग, उस बुक में अलग, और जब तुम एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करने जाते तब तुमको समझ में आता मां कसम कि उनने ये भी एक अमेंडमेंट किया है. सो पहले ये सेक्शन वॉज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 दे हैव रिटन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स, और जो अदर्स है उसको उन्होंने दूसरी जगह जाके एक्सप्लेन किया. अदर्स का मतलब एओपी बीओआई एजेपी, राइट, बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव. तो पहला अमेंडमेंट क्या समझ में आया? अब ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी अदर देन कोऑपरेटिव. क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव के लिए ये दो सेक्शन है. समझ में आ रही बात? कोऑपरेटिव के लिए कौन सा सेक्शन है? ये दो सेक्शन है. ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, स्टिल we don't have any alternative tax scheme for firm LLP, we don't have any alternative tax scheme for local authority, we have alternative tax scheme for company, we have alternative tax scheme for cooperative, we have alternative tax scheme for individual HUF AOP BOI AJP, but we don't have alternative tax scheme for firm local authority LLP. इनके लिए हमारे पास है ही नहीं. समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, so वापस से बोलो 23-24 तक के, मतलब आज भी देखो, अब तुम फाइनल वाले हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या होगा मैं तुमको बताऊं. जब तुम ऑफिस में जाओगे तुम रिटर्न भर रहे हो 23-24 के, ठीक है, और क्लास कर रहे हो आगे के ईयर की, मैं तुमको बताऊंगा ये चीज होगा. तुम जाओगे वहां पे, तुम जाकर के वहां पे देखोगे, सर ने तो बोला था इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा. तुम जाके सेक्शन में खोलोगे, सेक्शन में खोल करके बोलोगे यार मास्टर ने गलत पढ़ाया यार, यहां सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ दिख रहा. अरे छोटे भाई, तू जो रिटर्न भर रहा है वो 23-24 का है, वहां तेरे को बाय डिफॉल्ट में सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ दिखेगा, पर व्हेन यू फाइल द रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर नो यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग. समझ में आ रहा है? तो ऑफिस में काम करते वक्त अलग रखना और ये अलग रखना, क्योंकि सच्चाई तो यही है यार, पिक्चरों में तो बहुत अच्छा दिखता है
रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, समझ लेना, बराबर है यार। पिक्चरों में तो बहुत अच्छा दिखता है कि दोनों बिल्कुल नहीं झगड़े, रील्स में भी ऐसे ही होता है, रील्स में दो लड़के लड़की मिलके रील नहीं बनाते, कैसा दिखाया जाता है, कितने खुश है लाइफ में दोनों जन, समझ में आ रही हो, दोनों एक दूसरे के साथ कितनी मस्ती करते रहते हैं। अबे वो क्रिएटेड कॉन्टेंट है, लिखा होता है कॉन्टेंट क्रिएटर, बनाया गया है जबरदस्ती, समझ आ रही है बात, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। हाँ जी, हाँ, दस दस भी नहीं, 30 सेकंड का होता है, मतलब उनका लास्टिंग, आई मीन उनके कंटेंट का लास्टिंग 30 सेकंड का ही होता है, समझ में आ रही बात। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, ऑफिस में जाओगे आज भी क्या दिखेगा बोलो, इंडिविजुअल HUF, क्यों ऐसा दिखेगा, असेसमेंट ईयर बदलना तो ये अमेंडमेंट समझ में आएगा। इस साल अमेंडमेंट क्या हुआ है, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP अदर देन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को अदर क्यों कर रहे हैं, ये लास्ट के दो कोऑपरेटिव के लिए, इसलिए इसको बाहर कर दिया, पहला चेंज समझ में आया। चलिए अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, इज दिस सेक्शन ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम इज ओनली फॉर रेसिडेंट और ऑल्सो फॉर नॉन रेसिडेंट, आर्टिकल चिप किए ना तुमने 3 साल की DT में, हाँ सर ये असेसमेंट ईयर आया नहीं तो हमको पता ही नहीं, ग्रेट हैक, मां कसम ग्रेट हैक, बहुत बढ़िया, अंडरस्टैंड द बेस्ट पार्ट इज, सुनो जो ओल्ड स्कीम है ना, समझ रहे हो ना ओल्ड स्कीम, मतलब ओल्ड स्कीम में नॉन रेसिडेंट 80 का भी था तो उसके लिए बेसिक स्लैब रेट क्या था, 2,50,000, ये सेक्शन रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए कॉमन है, यू डोंट हैव अदर स्लैब रेट फॉर यू नो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, सो दिस सेक्शन इज फॉर रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, ये क्लैरिटी आ गई अभी। सो अब ये तुमको लिखना है असेसमेंट ईयर 23-24 तो लिख सकते हो, बट ये आपके काम का है, लिखना चाहते हो दोनों लिख लो, बट ये तुम्हारे काम का है। यहां आया है अमेंडमेंट, हाइलाइटर लेना, ये है अमेंडमेंट। सो 115 BAC डन, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। हाँ जी, दूसरा सेक्शन लाया, एनी डोमेस्टिक कंपनी, आपको याद होगा टैक्स स्कीम कंपनीज के लिए भी चाहिए थी हमको, एनी डोमेस्टिक कंपनी, आई थिंक द वर्ड इज वेरी क्लियर, डोमेस्टिक कंपनी, एनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर चरिंग कंपनी, सो कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन BAA एंड BAB, BAB इज प्योरली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इफ यू आर नॉट इन टू मैन्युफैक्चरिंग दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, यू हैव टू गो टू BAA, इनके टैक्स रेट एंड ऑल बाद में डिस्कस करेंगे, मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, आई नो आपका टैक्स से 3 साल से टच छूट चुका है, तो मैं जानबूझ के स्लो जाऊंगा, जहां जरूरत नहीं रहेगी वहां स्पीड कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 115 BAD, नेक्स्ट क्या आता है बोलो जल्दी से, 115 BAD, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम का कंसेप्ट इंडिया में ही है, फिर भी लॉ मेकर्स ने बहुत क्लैरिफाई कर दिया रेसिडेंट, सो रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर। असेसमेंट ईयर 24-25 ने एक और सेक्शन लाया, अनादर अमेंडमेंट इन टैक्सेशन, ठीक है, हम कहां कहां अमेंडमेंट देख रहे हैं, हम रिबेट में अमेंडमेंट देख रहे हैं, हम सरचार्ज में अमेंडमेंट देख रहे हैं, हम टैक्स रेट में अमेंडमेंट देख रहे हैं, द चैप्टर 1 इटसेल्फ इज फुल ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। 24-25 कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, इस साल से यह भी ऐड कर दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, पहले एक सवाल पूछा
मेरी एक दोस्त राखी यहाँ पे सवाल पूछ रही है, सर पहले भी क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से सेक्शन होते थे क्या? वेल द आंसर इज नो, ये सिर्फ कंपनीज के लिए थे। इसी साल से कोऑपरेटिव एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए क्या किया, ये लेके आए। तो सेक्शन में हम समझाएंगे, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, पहले आपको सेक्शन के क्लासिफिकेशन समझा दूँ, ठीक है? अब मुझे एक बात बता, तूने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है? प्लीज मेरे लिए एक बार रिकॉल कर ले। इंडिविजुअल, एच यू एफ, फर्म दिखा क्या? फर्म दिखा वहां पे? नहीं। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं फर्म को अलग से, फर्म एलएलपी, ठीक है? सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म। कंपनी के लिए दिख गया तो छोड़ दो उसको। एओपीबीओआई अब दिख गया, नेक्स्ट एजेपी भी दिख गया, क्या छूट गया? लोकल अथॉरिटी, और क्या छूट गया? नो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अवेलेबल एज ऑफ नाउ। इन असेसिस के लिए हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम नहीं है, विच क्लियरली मीन्स दैट इनका टैक्स रेट 30%, सरचार्ज सेम, एवरीथिंग सेम। इनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। डन, चलो लेट्स स्टार्ट। रिवाइज विथ मी, हम क्या पढ़ने हैं? हम आज से चालू कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, विच इज अ डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, विच मीन्स इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी विल कैलकुलेट द टैक्स एज पर दी ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, विच हियर इन आफ्टर मीन्स न्यू स्कीम। हम न्यू स्कीम से कैलकुलेट करेंगे और ओल्ड स्कीम से नहीं, अनलेस एंड अंटिल प्रॉब्लम क्लियर कर ले दे कि भैया टैक्स ही कहाँ से निकालना है, ओल्ड स्कीम से निकालना है। इसके बाद हमने देखा था न्यू स्कीम के अंदर में कितने सेक्शंस थे। न्यू स्कीम के अंदर में मोटे मोटे तौर पे 5 सेक्शन है, जिसमें से एक इंडिविजुअल एच यू एफ, ए ओ पी, बी वाई, ए जे पी को बिलोंग करता है, दो कंपनी को बिलोंग करते हैं जिसमें से बाइफर्केशन है डोमेस्टिक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, फर्दर दो कोऑपरेटिव को डिमांड करते हैं, जनरल कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर है? बट व्हेन इट कम्स टू फर्म, लोकल अथॉरिटी, एलएलपीज, इनके लिए हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई टैक्स स्कीम नहीं है। ऑल्टरनेट शायद आए, आज डिस्कस नहीं करना है, इस साल तो डिस्कस नहीं करना है, क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं 115BAC के साथ, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 115BAC के साथ, क्लियर? बहुत सारे अमेंडमेंट अकेले इस एक सेक्शन में ही है, बहुत सारे अमेंडमेंट अकेले इस एक सेक्शन में है। सर क्या आप हमें डरा रहे हो? हाँ। न्यू डिफॉल्ट स्कीम ऑफ टैक्सेशन, न्यू डिफॉल्ट स्कीम ऑफ टैक्सेशन, बराबर है? चलिए बताइए, असेसी कौन होना चाहिए? असेसी शुड बी इंडिविजुअल, एच यू एफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, अदर देन कोऑपरेटिव बीइंग रेसिडेंट ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं असेसमेंट ईयर 24-25 का अमेंडमेंट है ये, ठीक है? तो असेसी कौन होना चाहिए? असेसी होना चाहिए, ध्यान से सुनना, असेसी कौन होना चाहिए? असेसी होना चाहिए इंडिविजुअल, एच यू एफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ये आपका कौन होना चाहिए? असेसी होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो स्कीम है क्या ये स्कीम ऑफ डिफॉल्ट स्कीम है? सो द स्कीम इज अ डिफॉल्ट
टैक्स स्कीम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 बराबर है। अच्छा जी, कब ऑप्ट करना है? ऑप्टिंग द स्कीम कब ऑप्ट करना है? बराबर है। हैविंग बिजनेस इनकम, नो बिजनेस इनकम, बराबर है। अगर आपका बिजनेस इनकम है बिफोर फाइलिंग आरओआई, बिजनेस इनकम नहीं है एवरी ईयर बिफोर फाइलिंग आरओआई, वंस ऑप्टेड कैनॉट बी विड्रॉन एक्सेप्ट फॉर वन टाइम। बराबर है, अंडरस्टैंड। जब आप बेसिक लॉ पढ़ेंगे याद रखिए, अप टू असेसमेंट ईयर 23-24 दिस ऑप्शन हैज टू बी ऑप्टेड। क्योंकि आज भी आप लॉ पढ़ेंगे तो 23-24 तक के ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ता था। कैसे ऑप्ट करना पड़ता था? रिटर्न भरने से पहले। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, लेट्स से अ सैलरीड पर्सन, एवरी ईयर रिटर्न भरने के टाइम पे आप क्या करते थे? सिलेक्ट करते थे वेदर ही इज ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी और नॉट, करेक्ट है। असेसमेंट ईयर 24-25 से हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ डिफॉल्ट टैक्स स्कीम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25। उसके पहले क्या होता था? उसके पहले यह स्कीम को ऑप्ट करना पड़ता था। अगर बिजनेस इनकम नहीं है, एवरी ईयर रिटर्न भरने से पहले ऑप्ट करो। अगर बिजनेस इनकम है, एक बार आपने ऑप्ट करना है और आपने पहला बिजनेस रिटर्न भरने से पहले ऑप्ट करना पड़ता था इसको, और आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो आप इसे कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक बार आपके पास विड्रॉ करने का ऑप्शन था, वो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद कभी भी आप इस ऑप्शन से बाहर नहीं आ सकते थे। अब मैं इस बच्चे से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारा जेन्युइनली ध्यान है 24-25 में, ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमने लिखा पॉइंट नंबर 3, कोई काम का है? आंसर इज नो। क्योंकि 24-25 से हम क्लियर कट लिख रहे हैं यही स्कीम क्या हो जाएगी? डिफॉल्ट स्कीम। तो आपको ऑप्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। आपको ऑप्ट अप कब करना है? जब आप ओल्ड स्कीम ले रहे हो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हियर इन आफ्टर फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 दिस ऑप्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ओल्ड टैक्स स्कीम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आपको वहां जाना है, ओल्ड टैक्स स्कीम में जाना है, तो ऑप्ट करना है इस तरीके से। तो ऑप्टिंग आज भी बचा, पर इस सेक्शन के लिए नहीं, ओल्ड टैक्स स्कीम के लिए। सेक्शन 115 बीएसी सबसेक्शन 6। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए आपका बिजनेस इनकम नहीं है, बराबर है, सैलरीड इनकम है असेसमेंट ईयर 24-25 से, तो आपको हर साल ओल्ड स्कीम, यू हैव टू सिलेक्ट वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर ओल्ड स्कीम, यस, तो आप स्लैब रेट्स में चले जाओगे। एंड अगर आपने नो किया तब तो सवाल ही खत्म है, आप 115 बीएसी में रहे। और अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आपको इस साल क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। वन सिलेक्टेड आप बाहर
नहीं जा पाओगे, एक्सेप्ट वन टाइम विड्रॉल पॉसिबल है, वो भी अपने को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं अंडरस्टैंड, मेरा बिजनेस इनकम है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्या सिलेक्ट कर लिया, 115 BAC। अब एक बार ये 115 BAC सिलेक्ट कर लिया, ये कंटिन्यू रहेगा, किसी रीजन की वजह से मैं बाहर चल जाता हूँ, क्या मैं वापस आ सकता हूँ, आंसर इज येस। क्या मैं दोबारा वापस विड्रॉ कर सकता हूँ, आंसर इज नो। नहीं 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 अंडरस्टैंड, अब तो ये ऑप्शन ही नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट में न्यू स्कीम में हो। ये कब तक का ऑप्शन था, 23-24 तक का ऑप्शन था, अब बाय डिफॉल्ट में आप क्या हो, न्यू स्कीम के अंदर में हो। अब आप कहाँ जाओगे, ओल्ड स्कीम में जाना है, एक बार विड्रॉ कर सकते हो, दोबारा आप वापस कहाँ आ जाओगे, बाय डिफॉल्ट में 115 BAC में आ जाओगे, और अब आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन खत्म हो गया। समझ में आई बात? हाँ जी। बिल्कुल, एक ही बार वापस आ सकता, उसके बाद नहीं। ठीक है, चलो जी वापस से रिवाइज। असेसी कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, AJP, रेसिडेंट होने चाहिए। अब ये स्कीम डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बन गई, आपको अब ऑप्ट करना है तो ओल्ड स्कीम ऑप्ट करें, और ऑप्ट कैसे करना है, बिजनेस इनकम नहीं है तो रिटर्न भरने से पहले बता दो मेरे को वो ऑप्ट करना है, बिजनेस इनकम है आपने पहले ही कम्युनिकेट कर देना रिटर्न भरने से पहले, रिटर्न भरने से पहले जिस साल आपकी बिजनेस इनकम अराइज हो रही है, वंस एक्सरसाइज वो क्या हो जाएगी, आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। यस yes? अच्छा जी, एक बार आपने विड्रॉ कर लिया, दोबारा आप वापस नहीं आ पाएंगे, क्लियर रखना। जनरली ऐसा होता नहीं, बट फिर भी अगर मान लीजिए क्लाइंट ऐसा है जिसकी बिजनेस इनकम भी है और अदर इनकम भी है, नॉट जस्ट सैलरी, अदर इनकम पकड़ लो, आप उसको बिजनेस कैटेगरी में कंसिडर करोगे, वंस बिजनेस आ गया तो मैटर खत्म, आप उधर चले गए, फिर आपकी अदर इनकम कुछ भी रहे। डन। चलिए अभी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, दैट इज न्यू स्कीम का ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ये था कि अगर SSC, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर SSC को अपना टैक्स कम करना है, बिकॉज 2019 से क्या हुआ था, एवरी पर्सन वॉज डिमांडिंग मेरे को टैक्स, यू नो, खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाओ, इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ सकता। आपने मेरे से सवाल पूछना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ाते ये लोग क्यों रिबेट्स के साथ खेलते और इनकम टैक्स के स्लैब रिमिट्स नहीं बढ़ाते, पूछो क्यों, लॉजिक है मेरे भाई, बिल्कुल लॉजिक है। मुझे एक बात बताइए, अंबानी जी भी इंडिविजुअल है, बराबर है, और तू भी इंडिविजुअल है, बेसिक स्लैब लिमिट बढ़ाया तो अंबानी जी को भी बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी जिसको जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अंबानी जी का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कोई लेन देन ही नहीं बचा है, वो आदमी ऑलरेडी सरचार्ज के कई करोड़ों रुपए ऊपर जा चुका है, पर तेरे को तो इससे इंपैक्ट पड़ता है ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, कभी भी वो बेसिक स्लैब लिमिट्स नहीं बढ़ाते, बहुत मुश्किल से सरकार बेसिक स्लैब लिमिट्स बढ़ाती है, उनको जब भी खेलना होता है वो रिबेट से खेलती है कि भैया हाँ रिबेट की जरूरत किसको है, इसकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही, रिबेट की जरूरत इसको है, मार्केट में किसी को जरूरत नहीं है। तो अंबानी जी, अगर हमने स्लैब बढ़ा दिया, सलमान खान, अंबानी जी, अडानी जी, एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ इट, इंक्लूडिंग विजय सारडा, जरूरत है क्या, हमको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है। चलो आते हैं यहाँ पे। ना जी, अब यहाँ पे आते हैं। अब ये स्कीम में क्या था, ये स्कीम आपसे डिमांड कर रही थी, क्या डिमांड कर रही थी, कि आप कुछ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस छोड़ दीजिए एंड आपको हम क्या करेंगे, लोअर रेट ऑफ टैक्स दे देंगे। आप कुछ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस छोड़ दीजिए, हम आपको लोअर रेट ऑफ टैक्स दे देंगे। सो इनके लिए स्लैब रेट्स क्या है, इनके लिए स्लैब रेट्स क्या है, अमेंडमेंट, रुक जाना लिखने से पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूं GDPD वालों अब भी स्लो कर लो, शांति से चलने दो, एक लेक्चर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। स्लैब लिमिट में चेंज आया है, पहले टिल असेसमेंट ईयर 23-24 वाला देख लेते हैं, ठीक है, इसको लिखना मत, तुम पूरा फ्रेश लिखो, 23-24 वाला आपके नोट्स में भी लिखा है, जरा समझिएगा, 23-24 तक के ऑल्टरनेटिव स्लैब रेट्स क्या थे,
इसको हम कहते हैं 115 BAC1, ठीक है, इसको हम कहते हैं 115 BAC1। स्लैब रेट क्या थे? अप टू 2.5 लाख द टैक्स रेट वॉज निल, 2.5 लाख टू 5 लाख, एवरीबॉडी बोलो 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख कितना होता था 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख कितना होता था 15% कि 12.5%, 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख कितना होता था बोलो बेटा 20%, 12.5 लाख टू 15 लाख कितना होता था बोल बेटा 25%, एंड 15 लाख अबव कितना होता था 30%, ठीक है, याद कर लो। जैसे ही 2.5 लाख इंक्रीज होता था 5% से टैक्स इंक्रीज हो जाता था, एवरीबॉडी यस, वापस एक बार रिकॉल कर लो, जैसे ही 2.5 लाख से इंक्रीज होता था हमारा जो टैक्स रेट है वो 5% से इंक्रीज हो जाता था, क्लियर। निर्मला सीतारमन जी की दया रही आप पे, मतलब हमारा सब इंस्टीट्यूट तो खैर न्यू सिलेबस अब लेके आया है भाई साहब, बराबर है, डीटी वालों के लिए तो हर अटेम्प्ट न्यू सिलेबस था इनके लिए तो हर, हमारे को यू नो ऐसी सारे टीचर्स का मीटिंग चल रहा था, वो हमारे को ऐसी पूछ रहे थे भैया तुम्हारे में क्या नया है, हमने बोला पुराना बचा ही क्या, हमसे तो हमारा टैक्स कैलकुलेशन ही छीन लिया, जो हर टीचर शायद 10-10 साल से पढ़ा रहा था राइट, उनसे उनका टैक्स कैलकुलेशन ही छीन लिया, मतलब उसके माइंड में क्वेश्चन सेट रहते थे भाई साहब, इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, उन्होंने अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, पूरे जीवन ही बदल दिया हमारा, तो मतलब हमारे को तो वैसे ही हर बार न्यू सिलेबस में डाल देते और सिलेबस कम नहीं करते हमारा, डीटी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आता ही है, जाता कुछ नहीं सिर्फ आता है, इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग है ही नहीं। आपको याद है मैंने आपको एक धोखा दिया था, रिबेट पढ़ाते वक्त एक क्वेश्चन पढ़ाया था और आपको बोला था गलत करो, फिर क्वेश्चन एक और दिया पर आपका कैलकुलेशन नहीं आया, मैंने बोला बेटा रुक इसको पेंडिंग रख, एक बार तेरे को सेक्शन पढ़ा दूंगा तब तेरे को समझ में आएगा। असेसमेंट ईयर 24-25 उन्होंने इस सेक्शन को गायब कर दिया और 115 BAC 1A लेके आ गए। आपको उस दिन समझ नहीं आ रहा था ये 1A कुछ है और मैं रिबेट के ऊपर देखो एरो करके रखे थे, मैंने बोला देख बेटा यहां पे 115 BAC 1A का गेम है, आओ समझा दूंगा। 115 BAC 1A अमेंडमेंट इन 115 BAC स्लैब रेट, इनके स्लैब रेट में भी अमेंडमेंट कर दिया, क्या कर दिया आ जाओ दिखा दूंगा, अप टू 3 लाख रुपीज देर इज नो टैक्स, मतलब जो स्लैब रेट 2.5 लाख था उस स्लैब रेट को उठा के 3 लाख कर दिया, एकदम आराम से जाएंगे, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगा कोई तकलीफ नहीं, सुनना ठीक है। 3 लाख 1 टू 6 लाख 5%, शॉर्टकट 15,000, चेक कर लो, करो करो थोड़ा सा हिम्मत लो, हिम्मत से काम लो थोड़ा, अमेंडमेंट से मत डरो, बराबर है, आ गया 15,000, शॉर्टकट समझ में आ रहा है सभी को। हाँ जी 5 लाख टू सॉरी 6 लाख टू 9 लाख 10%, शॉर्टकट क्या आ गया भाई साहब चेक करो, इज इट 30,000, नाइन लाख टू 12 लाख, हम 15% कितना आया बेटा 12 लाख टू 15 लाख, 20% इज इट 60,000, अबव 15 लाख 30% डैश, बताओ क्या चेंज किया। They have changed
द होल बेसिक स्लैब रेट ऑफ 115 BAC. इशू पता है क्या होगा, एक DT का बच्चा ऑफिस में जो करेगा ना, भयानक जंबल में आ जाएगा, चल क्या रहा। हालांकि वो जंबल में इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि टैक्स बेस आपका ये आसान कर देगा, समझ। उनने 115 BAC के ही कैलकुलेशन बदल दिए, समझ में आ रही बात। उन्होंने 115 BAC के ही कैलकुलेशन बदल दिए, 115 BAC के कैलकुलेशन के स्लैब रेट बदल दिए। कुछ चीजें जो आपको फोकस करनी चाहिए, 5% कॉमन रहा, यस, 10% कॉमन रहा, यस, 15 कॉमन रहा, यस, 20 कॉमन रहा, यस, 25 पिक्चर से ही हटा दिया, 20 के बाद डायरेक्ट 30, 20 के बाद डायरेक्ट 30, 25 पिक्चर से ही हटा दिया। बहुत कम लोगों को ये ध्यान रहा, बट उनने 25 पिक्चर से ही हटा दिया, 20 के बाद डायरेक्ट 30 पे लेके आ गए। ये बन गया 115 BAC 1A। अब समझा आपका उस दिन आंसर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि आप जो 115 BAC निकाल रहे थे, कीपिंग इन माइंड द ओल्ड रेट्स वेर नॉट एट ऑल एप्लीकेबल, क्योंकि इन्होंने स्लैब्स ही बदल दी 115 BAC के। हियर इन आफ्टर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 दिस स्लैब विल बी एप्लीकेबल एंड नॉट दिस स्लैब, समझ में आ रही बात। चाहते हो दोनों लिखना कि एक ही लिखना चाहोगे, दोनों एप्लीकेबल कौन सा रहेगा? हाँ, असेसमेंट ईयर, बस आ जाओ लिख दो। डिडक्शंस आज भी दे रहे हो, वो आपको अब ऑप्शन कर दे रहे। आप लेना है आप ओल्ड स्कीम में जाओ ना, हम आपको रोक कहाँ रहे। उन्होंने ऑप्शन दे दिया। होता क्या था, नॉट एवरीवन वाज टेकिंग ऑल द डिडक्शन, एवरीवन वाज एक्सपोज टू टैक्स बट नॉट एवरीवन वाज टेकिंग द डिडक्शन। तो पहले वाले बोल रहे थे हम डिडक्शन लेते ही नहीं, पर हमको तो ज्यादा टैक्स लग रहा है ना, तो हमारे को दे दो ऑप्शन, जिसको लेना होगा ओल्ड में चले जाएगा, जिसको नहीं लेना होगा न्यू में आएगा। अग्रीड है 100%।
इज दिस डन? चलो हाँ जी, तो अब न्यू स्लैब रेट क्या आ गए? चलिए वापस से अब जीरो से चालू करिए। न्यू टैक्स स्लैब रेट्स अप टू 3 लाख, देर विल बी नो टैक्स। 3 लाख टू 6 लाख, बोलो बेटा कितना? 5%। देन 6 लाख टू 9 लाख, 10%। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ विद द इंक्रीज इन 3 लाख द टैक्स रेट इज इंक्रीजिंग बाय 5%, बट नॉट इन द लास्ट केस। इन द लास्ट केस वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू 30%। यस ऑर नो? यस ऑर नो? चलो जी, अब इसमें नया कैलकुलेशन भी आ गया। जितने कैलकुलेशन होंगे वो सारे के सारे बदलेंगे। ये सुनो, चलो आ जाओ। एक पॉइंट है, समझिएगा, क्या रिबेट भी मिलता है 115 बीएसई के साथ? वेल द आंसर इज यस। और याद होगा तो रिबेट कितना है बेटा? 5 लाख पे है या 7 लाख पे है? अगर आप 115 बीएसई 1A लेते हो तो 7 लाख। तो इस चक्कर में क्या हुआ? अमेंडमेंट आया इन सेक्शन 87A रिबेट। यस, चलो आओ। अमेंडमेंट इन 87A रिबेट, इफ असेसी ऑप्ट्स फॉर 115 बीएसी 1A ब्रैकेट में डिफॉल्ट स्कीम, देन रिबेट इज अवेलेबल इफ असेसी इज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट, टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड, बोलो बेटा, डज नॉट एक्सीड 7 लाख। रिबेट शैल बी लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 25,000 है। चलो जी, अगर एसएससी 115 बीएससी 1A का मतलब है जो नए स्लैब्स में आ जाता है, तो उसके लिए रिबेट और बढ़ा दिया गया है। अब रिबेट आज इस साल और बढ़ाने का काम क्या पड़ा? ऑब्वियसली बात है, रिबेट इस साल और बढ़ाने का काम बड़ा सीरियस था। खर्चे और महंगाई बढ़ गई है, सबको समझ रहा है? खर्चे और महंगाई बढ़ गई है, सबको समझ रहा है? तो कोई बात नहीं। इफ असेसी ऑप्ट फॉर 115 बीएसई 1A द रिबेट इज अवेलेबल इफ असेसी इज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट। यहां पे तो कोई तकलीफ है ही नहीं। टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड 7 लाख, तो रिबेट कितना अवेलेबल हो जाएगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500, ठीक है, 25,000। अच्छा जी, इसी चीज को इसी चीज को सरकार ने क्या कर दिया? अब 7 लाख पे ला दिया। इसी चीज को क्या कर दिया सरकार ने? 7 लाख पे ला दिया। अब द पॉइंट इज इस चक्कर में
आपके मार्जिनल रिलीफ भी बदले. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, मार्जिनल रिलीफ पे, मतलब रिबेट पे भी मार्जिनल रिलीफ लाया. एंड इट हैज गॉट अ वैलिड लॉजिक. मार्जिनल रिलीफ लाया गया रिबेट पे भी, एंड इट हैज गॉट अ वैलिड लॉजिक. पहले लिख लो, फिर तीनों एक साथ समझाता हूं. आ जाओ. मार्जिनल रिलीफ इन केस ऑफ इनकम स्लाइटली एक्सीड 7 लाख. इन केस ऑफ इनकम स्लाइटली एक्सीड 7 लाख. रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 इफ नेट इनकम एक्सीड 7 लाख बट डज नॉट एक्सीड 727770. इनकम टैक्स ऑन सच इनकम के नॉट एक्सीड द अमाउंट बाय विच नेट इनकम एक्सीड 7 लाख. डन. प्लीज दो बार पढ़ो. रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 इफ नेट इनकम एक्सीड 7 लाख बट डज नॉट एक्सीड 727770. द इनकम टैक्स ऑन सच इनकम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट बाय विच नेट इनकम एक्सीड 7 लाख. दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलीफ. अब मैं आपको एक एक प्रॉब्लम देता हूं. तीनों चीजों को कंबाइंडली एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है. सबसे पहले वही वाला प्रॉब्लम उठाते हैं अपन, 6,92,000 वाला जो अपना पेंडिंग था, ठीक है. आपने उसके लिए स्पेस छोड़ी थी, नहीं छोड़ी थी, एक बार चेक कर लो. आपने उसके लिए स्पेस छोड़ी, नहीं छोड़ी, बराबर है. 10 लाइन छोड़ने को बोला था. आइए एग्जांपल्स ऑन दी अबव. वो एग्जांपल नंबर क्या था? 2.2. चेक ओल्ड पेज, बराबर. आ जाओ. चलो धीरे धीरे एक एक करके. सपोज कर लो तुम्हारी टोटल इनकम है 6,92,000, बराबर. अब बताइए टैक्स कैसे निकालोगे. अब हम 115BAC 1A अप्लाई करेंगे. अब 115BAC 1A अप्लाई करेंगे, बोलो हाँ, बराबर है. इसके तहत, इसके तहत अप टू द फर्स्ट 3 लाख देर विल बी निल. ऑन द नेक्स्ट 3 लाख वी विल बी 5% विच विल बी 15,000. ऑन द नेक्स्ट 3 लाख वी विल बी 10% दैट मीन्स 30,000.
दैट मीन्स 30,000 एवरीबॉडी, पर नेक्स्ट 3 लाख है कहाँ, वो तो इन टोटल 92,000 है। तो 92,000 पे क्या मैं कह सकता हूँ 10%, 9,200, वॉट इज माई टोटल टैक्स 24,200, इज माई टोटल इनकम लेस देन 7 लाख, विल देयर बी रिबेट अंडर सेक्शन 87A रीडेड विद द अमेंडमेंट होल 24,200 वुड बी रिबेट, तो माई टैक्स वुड बी निल एवरीबॉडी, माई टैक्स वुड बी निल। अब एक एक चीज से जोड़ के देता हूं, आ जाओ दिखा दूंगा। वही यूटिलिटी इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर आपकी आंखों के सामने जो रियली प्रैक्टिकली वर्क भी करेगी। यस 115 बीएससी को मैंने इस बार हां कहा, ठीक है, दिस इज येट टू बी अपडेटेड ऑब्वियसली। कितना डाला था, 6,92,000, 6,92,000, क्या लगता है सही आएगा जवाब? 6,92,000 हमने यहां डाल दिया, 24,200, चेक योर टैक्स इज 0। अब समझाइए क्या था, मैं आपको उस दिन पढ़ा भी देता ना, तुमको 0 समझ में आता वो है क्या। आज तुमको शांति से जब 0 तक के डेवलप करके लेके आया, टैक्स कैलकुलेशन में डेवलप करके लेके आया, अब तुमको समझ में आ रहा है ये क्या है और क्या नहीं है। कलल का चलो 7 लाख पे भी सेम काम करेंगे, आ जाओ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ठीक है। सपोज कर लो तुम्हारा टोटल इनकम, अब प्रैक्टिस करो मेरे साथ ठीक है, 7 लाख, बताओ टैक्स, पहले टैक्स निकालो फिर रिबेट माइनस करो ठीक है, टैक्स निकालो, बोलो ऑन द फर्स्ट 3 लाख निल, ऑन द नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, इज इट 15,000 बैलेंस या नेक्स्ट 3 लाख बैलेंस कितना बचता है, 3 और 3 6 एक ही बचा ना रे, इज इट 10,000, देख तेरा टोटल टैक्स कितना है बेटा 25,000। अब तेरा टोटल टैक्स 25,000 है, इज द इनकम एक्सीडिंग 7 लाख, आंसर इज नो, 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, योर टैक्स वुड कम टू निल, योर टैक्स वुड कम टू निल। अब समझ में आया पूरी चीज दिल से अच्छे से? इज दिस डन? चलो एग्जाम्पल अनादर। अब मैं तुमको वो कंसेप्ट समझाता हूं मार्जिनल रिलीफ वाला। सपोज योर इनकम इज 7,20,000, कैलकुलेट द टैक्स एज पर द न्यू स्कीम।
टैक्स इज कमिंग टू 27,000. वेट, एडिशनल इनकम कितनी कमाई? सिर्फ 20,000 एडिशनल. 7 लाख तक के तो टैक्स है ही नहीं, मैं ऐसा भी बोल दूं तो चलेगा? 7 लाख तक के तो टैक्स है ही नहीं, मैं ऐसा बोल दूं तो भी चलेगा? 7 लाख तक के टैक्स है ही नहीं. अब एडिशनल कितना कमाया? 20,000. इस 20,000 के ऊपर टैक्स कितना आ जाता था? 27,000. मतलब द टैक्स इज एक्सीडिंग द इनकम अर्नड. सरकार ने बोला मार्जिनल रिलीफ देंगे. अब पढ़ो मार्जिनल रिलीफ क्या है. रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ. अब इस रिबेट को भी हम मार्जिनल रिलीफ के अंदर में लेके आएंगे. और जितनी इनकम एक्सीड करी, अब याद करो मार्जिनल रिलीफ हम कैसे निकालते थे. हम निकालते थे सबसे पहले जितना स्लाइट इनकम ऐड हो रहा उसको अलग से ऐड कर देते थे. हम क्या निकालते थे? टैक्स ऑन 7 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 7 लाख एवरीबॉडी. और इसमें बाद में क्या ऐड कर देते थे? HEC. तो चलो वही करते हैं. टैक्स ऑन 7 लाख कितना आने वाला है? निल. प्लस टोटल इनकम माइनस 7 लाख कितना हो गया? 20,000. टोटल टैक्स बन गया 20,000. HEC एट द रेट ऑफ 4% कितना आ रहा है? 800. टोटल टैक्स 20,800. इवन दो योर टैक्स इज 27,000 एज पर द नॉर्मल कैलकुलेशन, बट द टैक्स विल नॉट एक्सीड 20,800. समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि क्या होता था, देख 7 लाख तक के तो टैक्स है ही नहीं. लॉजिकली बात समझ, 7 लाख तक के तो टैक्स है ही नहीं. पर जस्ट बिकॉज तूने 20,000 रुपए, मात्र 20,000 रुपए एडिशनल कमा लिए, उस चक्कर में तू डायरेक्टली कितने पे पहुंच गया? 27,000. नो डाउट 7 लाख के ऊपर कमाया, तेरे को रिबेट नहीं मिलना चाहिए, बट एटलीस्ट तेरा इनकम अर्न से ऊपर भी नहीं होना चाहिए. समझ में आ रही बात? नो डाउट तेरे को टैक्स लगना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एटलीस्ट तूने जितना एडिशनल कमाया उससे तो ऊपर नहीं होना चाहिए. बराबर है? यहां पे लिखो एज पर 115 BAC 1A वो जा रहा था 27,000, बट टैक्स कैन नॉट एक्सीड 20,800. लॉजिक समझा सभी को? हाँ या ना? लेकिन एक मिनट सर, जो आप पढ़ा रहे हो क्या ऐसा सच्चाई है? मतलब रिबेट पे भी कभी मार्जिनल रिलीफ आ सकता है? अब सब सच्चाई ही है, अब सब सच्चाई ही है बाबू. एक बार लिख ले फिर दिखाता हूं तेरे को चमत्कार. न्यू सिलेबस, ओके. इनकम टैक्स, आई एम हियर. Is this done? चलो नहीं समझा, मेरे को एक और बार समझने का है. 7,25,000. चलो पहले 115 BAC 1A के हिसाब से निकालोगे, फिर मार्जिनल रिलीफ के बाद निकालोगे. चलो
So will you get marginal relief? Answer is yes. You will get marginal relief. Then, what is the final answer? Understand, 725 के हिसाब से, on the first 3 lakhs, nil. On the next 3 lakh, will it be 5%? 15,000 as per the shortcut. On the balance 1,25,000, you get 10%. Which is 12,500, 27,500 as per 115 BAC 1A. क्लियर है? बट एज पर मार्जिनल रिलीफ. अब मुझे एक बात बताइए, इनकम कितने से एडिशनल बढ़ी? 25,000. टैक्स कितने से बढ़ गया? 27,500. राइट, मार्जिनल रिलीफ के साथ निकाला जाएगा तो टैक्स ऑन 7 lakh प्लस टोटल इनकम माइनस 7 lakh, टैक्स ऑन 7 lakh इज 0 प्लस 25,000. देयरफॉर टैक्स इज इक्वल टू 25,000 प्लस 4% ऑफ 25,000. देयरफॉर योर टैक्स विल कम टू 26,000 रिस्ट्रिक्टेड टू 26,000. अब लॉजिक समझ में आया आप लोगों को कि क्यों रिबेट के कॉन्सेप्ट पे भी इन्होंने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट रखा है. पहले नहीं था, अब रखा है. विच इज आई गेस यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज अ मोस्ट सेंसिबल पॉइंट. अदरवाइज क्या होगा? आदमी टैक्स चोरी करेगा, फिर सिचुएशन वही होने वाला है. वो क्या करेगा? टैक्स चोरी करेगा और विषय खत्म करेगा. क्लियर है? इसीलिए हमने क्या किया, हमने आपको एक फिगर निकाल के दे दी भैया, 7,27,700. इसके ऊपर आपको ये मार्जिनल रिलीफ के तहत निकालने की जरूरत नहीं. इनकम द मूवमेंट इसके ऊपर है तो आपने डायरेक्टली 115 BAC 1A के हिसाब से क्या कर लेने का, कैलकुलेट करने का. तो अगर आपकी इनकम 7,27,700 के ऊपर है, डायरेक्टली 115 BAC के हिसाब से कैलकुलेट करने का काम खत्म. यस और नो? चलो वापस आओ, वापस आओ. एक बार फटाफट मेरे भाई रिपीट करेंगे, ठीक है? 115 बीएससी को रिपीट करेंगे. एसएससी कौन होना चाहिए इस साल से? इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीआई. ये स्कीम कौन सी स्कीम हो गई? डिफॉल्ट स्कीम हो गई. इसको क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट करने का काम नहीं. हाँ, अदर ओल्ड स्कीम को ऑप्ट करना है तो ऑप्ट करना पड़ेगा. स्लैब रेट में बदलाव है, भयानक बड़े बदलाव है. क्या बड़े बदलाव है बोलो जल्दी से. 3 lakh, 6 lakh, 9 lakh, 12 lakh, 15 lakh. बराबर है? परसेंटेज क्या हो चुकी है? चेंज. परसेंटेज क्या हो चुकी है? चेंज. याद रखिए, न्यू स्लैब के अंदर में 25% नाम का कोई स्लैब नहीं है. इसमें रिबेट में भी चेंज आया. रिबेट में क्या चेंज आया? याद रखिए, नॉर्मल रिबेट अपना अलग चल रहा है, ओल्ड स्कीम का रिबेट अलग, न्यू स्कीम का रिबेट अलग. इस तरह से याद रख लो, जीवन भर सुखी रहोगे. ओल्ड स्कीम का रिबेट अलग, न्यू स्कीम का रिबेट अलग, जीवन भर सुखी रहोगे. अब इस रिबेट में भी क्या आ गया? मार्जिनल रिलीफ नाम का कॉन्सेप्ट आ गया. इसमें भी क्या आ गया? मार्जिनल रिलीफ नाम का कॉन्सेप्ट आ गया. क्लियर है? आपको हर कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिया. अब एक बात बताइए. आपने बोला स्लैब रेट ये रहेंगे, बराबर है? इधर आइए.
What about special income? What about special income? आपने कहा स्लैब रेट ये रहेंगे, स्लैब रेट से रिलेटेड, ये जो नए स्लैब रेट है, इस नए स्लैब रेट से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। पॉइंट नंबर वन, दिस स्लैब रेट इज कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। दिस स्लैब रेट इज कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, दैट मींस इवन इफ द असेसी सीनियर सिटीजन, ही इज एक्सपोज टू दिस स्लैब रेट। तो यहां पे वो तीन तीन बनाने का काम ही नहीं है, एक ही स्लैब रेट याद रख लो, गेम ओवर। सो यही आई गेस इसके नीचे जगह खाली होगी, इसके नीचे जगह खाली होगी। अरे इसके नीचे होगी ना यार, ऐसा क्या कर रहे, सब पूरा भर लिए, बहुत बढ़िया। आगे आओ, फर्दर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन, अदर इनकम, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, कैजुअल इनकम 20, 10, दैट टू बियॉन्ड 1 लाख 15%, 30%। तो स्पेशल इनकम विल बी सब्जेक्ट टू स्पेशल रेट ओनली। इज दिस डन? पक्का? दूसरी चीज, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे चलती रहेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्लियर? दूसरा एक और पॉइंट। सर व्हाट अबाउट एचईसी? एचईसी विल कंटिन्यू टू फॉर्म एट 4%। एचईसी में कहीं कोई चेंज नहीं, बट सरचार्ज चेंज्ड with effect from assessment year 24-25. Surcharge changed with effect from assessment year 24-25. Exam में software use करने मिल जाए, है ना? बराबर? ये बदल गया, क्या बदल गया? देखो इतना हार्ड नहीं है, तुम आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो वो जम भी रहा है, तुमसे कैलकुलेट भी हो रहा है। इट्स जस्ट दैट तुम क्या सोच रहे हो पता है, इतना सब याद कैसे रखेंगे? तुम्हारा बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या है? तो इतना सब याद कैसे रखेंगे, और ये डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, इतना सब याद कैसे रखेंगे? वैसे मैं तुमको एक बात बताऊं, यू आर इन वन ऑफ द चैप्टर आउट ऑफ 48 चैप्टर्स। ये बस मैं तुमको ऐसी थोड़ा बहुत याद दिला रहा था, एंड ये तुमको याद दिला दूं मैं कि डीटी के अंदर में टैक्स कैलकुलेशन इज द लास्ट पार्ट यू विल अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिटरमाइन टोटल इनकम एंड अदर प्रोविजंस, और ये एंड में आएगा। उसमें इतने कैलकुलेशन है। सर यार अब मजे मत लो यार, जिंदगी में मजे नहीं ले रहा हूँ भाई। जिसके इंस्टीट्यूट नहीं ले रखे उसके मैं क्या लूंगा, मेरी बात समझ। जिसके इंस्टीट्यूट नहीं मजे लेके रखे मैं क्या लूंगा मेरे भाई, मेरे को मजे नहीं ले रहा। बट हाँ, डिफिकल्टी तो है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिफिकल्टी तो है, लर्न रखना पड़ेगा। एंड स्पेशली आप लोगों के लिए साला बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप लोग का जीवन ही बिल्कुल अलग है। सर कैसे? अरे जीवन में बताऊं तुमको क्या होता, नहीं जीवन होता था, तुम्हारा जीवन था, तुम्हारा जीवन अभी बचा नहीं है। कैसे? बेचारा फाइनल का लड़का, जरा सुन ना, थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ, बेचारा फाइनल का लड़का, ठीक है, ये चाहे तो भी बहुत देर तक नहीं सो सकता। मतलब इसकी इच्छा भी हो जाए ना कि बहुत देर सोना है, अगर आप आर्टिकल शिप कर रहे हैं तो, और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप सो पाएंगे। बट अदरवाइज अगर आप काम कर रहे हैं, या आपकी शादी हो चुकी है, या यू नो
आप आर्टिकल शिप कर रहे हैं, आदमी सुबह उठेगा, सुबह उठ के पता है उसको पहला फील क्या आता है? पहला फील आता है उसको क्यों, मतलब करना क्या है आज के दिन, बहुत मतलब जिंदा हूं मैं। उसकी नींद है ना पहले इस बात से खुलती है कि ऑफिस से तो कोई मैसेज नहीं आया, ऑफिस से तो साला कोई मैसेज नहीं आया, नहीं तो क्या होता है रोज रात में। और प्रिंसिपल को ना पता नहीं अजीब बीमारी है ना, साला खुद सोता है ना हमको सोने देता है, रात में 2 बजे मैसेज करता है, रात में 2 बजे 3 बजे मैसेज आता है उसका। आप उठे, दिन भर ऑफिस में आर्टिकलशिप में ऐसी तैसी करवाई, उसके बाद शाम में क्लास, ठीक है। जो बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पे देख रहे हैं इनका तो दुख ही अलग है, इनका दुख पता है क्या है, इनका दुख पता है क्या है, सॉरी इनका दुख अलग ही लेवल पे है। इनका दुख ये है कि इनने कोर्स बाय कर लिया, ठीक है, नाम सुन सुन के कोर्स बाय कर लिए टीचर के। अब इनके इंटर के जो टीचर थे ये थोड़े से हंसी मजाक वाले थे, इनको उम्मीद भी थी कि टीचर थोड़े हंसी मजाक वाले वापस मिल जाएंगे, पर ये भूल गए फाइनल में कंटेंट ही कंटेंट है। आदमी को इतने सारे इश्यूज है, इधर से एक अलग इशू, उधर से एक अलग इशू, कंटेंट ही कंटेंट है। वो चालू करता बेचारा लेक्चर, 5 मिनट देखता, 7 मिनट देखता, तब तक के उसको ऑफिस का कोई मैसेज आ जाता या घर की कोई इशू आ जाते या खुद का ही ख्याल परेशान करने लग जाता, मेरे से ये हो पाएगा क्या, खुद का ही सवाल परेशान कर देता। मैं आपको बता दूं सर, आपने बहुत सारे हो सकता है ऑनलाइन लेक्चर लिए होंगे, बट बिलीव मी उसमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट भी कर पाए होंगे। एट द एंड ऑफ द डे या तो वो फास्ट ट्रैक पे घुस जाते, रेगुलर लेक्चर लेके फास्ट ट्रैक में घुस जाते, या तो मैराथन्स रिविजन्स खत्म, और उसके बाद आता अटेम्प्ट। क्योंकि होता क्या है आपको पता है क्या, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तुमने ना 16-17 साल स्कूल में लिखा, प्रैक्टिस किया और फिर एग्जाम दिया, सेमिस्टर पैटर्न, तुम्हारा सिचुएशन बदला, तुमने इंटर में अगेन क्लासेस करी, पूरा पढ़ा, प्रैक्टिस करी और फिर पास हुए, उसमें भी तुम सोचो कहीं ना कहीं तुमको अटेम्प्ट लगा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी थी। जितना प्रैक्टिस तुम स्कूल लेवल पे करते थे, कॉलेज लेवल पे करते थे, उतनी प्रैक्टिस तुम्हारी इंटर में नहीं हुई। फिर तुमको गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान समझ में आ गया कि अकेडमी अकेडमी ये वो सब, अपन जब तक के सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करे, आई डोंट नो ये कनेक्टेड है, हाँ, अपन जब तक के सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करे तब तक के कुछ नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान मिल गया तुमको। फिर ये ब्रह्म ज्ञान आज वैनिश हो गया वापस। आज भी तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्लास ऑल्सो हैज अ बाउंडेशन, कि वो इतने प्रॉब्लम ले सकता है। अल्टीमेटली घर जाके तुम्हें ही इन सारे प्रॉब्लम्स को एक और बार वापस सॉल्व करना है, ये याद रखना। और ये क्लासेस के बाद तुम बोलते हो भाई अब थक गया, अब नहीं हो सकता, बेड बुलाते रहता, आ जाओ मेरा बच्चा, सो जा मेरा बच्चा, सो जा। घर वाले फोन करते हैं, और बेटा बाकी? बस बढ़िया, बाकी सब ठीक चल? हाँ ठीक चल। शादी 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 फंक्शंस में जाते, और बेटा बाकी सब ठीक? हाँ ठीक है। अटेम्प्ट कितने हो गए? हाँ 3-4। कौन से कॉलेज से सीए करा? तेरी। ऐसे एक ना एक चाचा ताऊ फूफा मिलते मिलते लाइफ में। अच्छा, और इनको ना पता है हमारे मजे लेने हैं और उसी टाइम पे फ्री एडवाइस भी लेनी है। अरे यार मेरा ऐसा ऐसा इशू, इसका टीडीएस का क्या होगा? कुछ नहीं होगा ताऊ, तू पेनल्टी लगवा ले, कुछ नहीं होगा। साले फुकट में एडवाइस भी मांगने आ जाते जीवन में, और कुछ नहीं बचा तो। चलो सरचार्ज आ जाओ, याद होगा तो डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदर इनकम। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है समझना। 50 लाख डैश एंड डैश, 50 लाख टू 1 करोड़, बोलो बेटा, दिस रिमेन सेम। 1 करोड़ टू 2 करोड़, दिस रिमेन सेम। बोलो 2 करोड़ टू 5 करोड़, हाँ ये तो 15 पे ही था, ये 25 पे था, अबव 5 करोड़, ये तो 15 पे ही रहेगा, ये 25 पे आ गया। तो जो सोशल मीडिया और अलग अलग न्यूज चैनल में बातें कही गई ना, सरचार्ज 37 से 25 पे आ गया, हेलो, कीप ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम डिफरेंट, कीप ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम डिफरेंट। न्यू स्कीम में मैक्सिमम सरचार्ज रेट 25 पे ला लिया, अंडर द ओल्ड स्कीम इट इज स्टिल 37%।
अगर आपकी इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल एक्सीड्स, बोलो बेटा, 2 करोड़ नॉट कवर्ड इन 5, 4 और 5, बोलो बोलो बोलो, तो आई गेस इसके ऊपर हम प्रॉब्लम तो जरूर लेंगे, नो डाउट, आने के बाद इन सिचुएशंस पर प्रॉब्लम जरूर लेंगे कि एग्जैक्टली इससे क्या इंपैक्ट पड़ा है. बेनिफिट ताकि लोग आसानी से मान जाए 115 BAC के लिए. ऑब्वियसली उन्हीं को बेनिफिट मिला, बाकी किसी को बेनिफिट नहीं मिला. उसका एक और रीजन है सरचार्ज कम करने का, इस स्कीम में एक और रीजन है. आप सोच के देखिए, अगर कोई बहुत मेहनत करता है, ठीक है, राखी बहुत मेहनत करती है, साल भर में उसने भयानक मेहनत करके अचीव करके 6 करोड़ का टारगेट अचीव किया, 6 करोड़ का इनकम का टारगेट अचीव किया. अब 6 करोड़ की इनकम में जरा टैक्स समझते हैं कितना होता है. यू आर इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% सेस विच इज इक्वल टू 42.744%, जिसको हम MMR भी कहते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट. यू आर अर्निंग 100 रुपीज एंड टेक्निकली 43 रुपीज टू गवर्नमेंट. ये इनकम टैक्स है, GST अलग. भारत पिछले 3 से 4 सालों से ना एक चीज ऑब्जर्व कर रहा है, इसके जो HNIs है ना वो भारत में रहते ही नहीं. इससे बेटर वो बोलेगा मैं दुबई में रहता, अंडरस्टैंड, दुबई में रहता, आने जाने को 6 घंटा लगता, बात समझना, 6 घंटा लगता. दुबई में इनकम टैक्स 0 है, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे सिर्फ वैट, वो भी 5%. जो बंदा इंडिया में रहकर 6 करोड़ कमा रहा, लॉजिकली वो लगभग 2 करोड़ रुपए तो टैक्स में दे रहा, शायद ज्यादा, कम नहीं, तो 4 करोड़ ही कमा रहा वो टेक्निकली. उसका वेल्थ एप्रिशिएट नहीं, उल्टा डेप्रिशिएट हो गया. वो बोलेगा मैं इससे बेटर दुबई में रहता हूं. आप जरा समझिए, टेक्निकल गुरु जी गौरव चौधरी कहां है सर? वो इंडिया में कहां है? दुबई. चलिए शुरुआत करते हैं, दुबई. ऑब्वियसली जितनी इनकम इंडिया से आ रही है उसके लिए उनकी मेन इनकम है यूट्यूब, दैट टू अर्निंग इन धीरम्स. इंडियन यूट्यूबर कमा रहा इंडियन रुपीज में, वो धीरम में कमा रहे यूट्यूब से, स्पेसिफिकली डॉलर्स. उनको कन्वर्जन ज्यादा मिल रहा, समझ में आ रही बात? तो कोई भी HNI इंडिया में रुकना ही नहीं चाह रहा. वो बोल रहा है मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 43 रुपीज तो गवर्नमेंट लेकर के जा रही है, मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा लाइफ में? कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा मेरे को लाइफ में. इससे बेटर है मैं दुबई के अंदर में रहूं, जब भी लगे 6 घंटे में आ जाओ. वैसे भी घर की जिम्मेदारियों का बोझ ही इतना था कि आदमी घर से निकल के घर ना जा पाया, बात समझना. जिम्मेदारियों का बोझ ही लाइफ में इतना है, साला आदमी घर से तो निकलता पर घर ही नहीं पहुंच पाता, बराबर है कि नहीं? अभी मेरे को एक बात बताओ, मेरी ही बात ले लो, सुबेरे ऑनेस्टली यार, सुबेरे निकलता मेरा बच्चा सो रहा है, मैं रात में घर पे पहुंचता मेरा बच्चा सो रहा है, और ये तो वो है जो काम कर रहा हूं, मीटिंग आ गई तो वो भी गया, समझ आ रही है बात? मतलब खुद के घर वालों से 2 दिन बाद मिलता हूं यार मैं कई कई बार, तो ईमानदारी से बता रहा हूं, खुद के घर वालों से 2-2 दिन बाद मिलता हूं. और सिचुएशन ऐसी रहती है कि एक ही घर में रह करके पराया हो जाता मैं, सच में. बट अंडरस्टैंड
इस चक्कर में ना सरकार को भी समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर इतना सी बात नहीं करेगा क्या कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे पे 42% लगा रहे हो और कंपनी इस पे 15% का टैक्स, मतलब इंडिविजुअल पिस रहा है और कंपनी को बेनिफिट जा रहा है। कहीं तो जवाब देना पड़ेगा ना जनता को भी, जनता तो जवाब मांगेंगी ना भाई, कहीं तो कम करो। एक तरफ से महंगाई बढ़ा रहे, दूसरे तरफ से तुम टैक्स भी बढ़ा रहे, तो आदमी तो पिस ही जाएगा और क्या करेगा। हेंस उनको करना पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं कि उनने सरचार्जी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये हाई नेटवर्थ्स के लिए था, तो फिर उनको इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पर खुश रखना तो उनको भी जरूरी है ना, उनको भी तो खुश रखना जरूरी है। अल्टीमेटली धंधेज में पैसा वही लगाएंगे, एंड दैट इज द रीजन अश्नीर ग्रोवर सर टैक्स समझे ना समझे उस आदमी को, पर आकर के फोरम पे बोलने की तो हिम्मत रख रहा है सबके टैक्स सेम कर दो। हालांकि इस बात में कोई सेंस नहीं है, पर आदमी एटलीस्ट बोल तो रहा है, भाई तुम, मैं कमा रहा हूं, तुम मेरे पे क्या टैक्स दे रहे हो। कपिल शर्मा 15 करोड़ का ट्वीट किया। दुखता है यार, टैक्स पे करते वक्त बहुत दुखता है। एंड तुम जानते हो, तुम देखो आर्टिकल शिप में क्लाइंट के साथ काम करते हो, इनकम से टैक्स निकलता है या टैक्स से उल्टा कैलकुलेट करते हो। पहले उसको पूछना पड़ता भाई कितना देगा, वो तो बोलता भाई रिफंड ला ले, मैं देगा कुछ नहीं रिफंड, ऐसा नो। पर उसको समझाना पड़ता, नहीं भाई देख तेरी ईएमआई इतनी है तो सरकार को बताना पड़ेगा, तेरा इनकम तो एटलीस्ट इतना है ही। दैट इज द बेस लॉजिक। मिलेंगे सर ब्रेक के बाद।
हाँ ये तो बनता है मतलब। हाँ नहीं उसका एप्री से इनकमिंग है, आउटगोइंग है ही नहीं हमारे यहाँ। यस सर, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी चलो चलिए शुरुआत कर दें। राइट तो मौसम इतना मस्त चेंज हुआ है ना, खांसी जो आई है वो वापस जा ही नहीं रही है, बोलती मैं भी रुक के ही जाऊंगी। चलो आप जानते हैं सरचार्ज आ चुका है, तो क्यों ना मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ और प्रॉब्लम्स ले लें जहाँ पे हम लोग स्पेशल इनकम भी कंसिडर करें और सरचार्ज भी कंसिडर करें। ठीक है तो चलो आओ एग्जाम्पल्स, और ये सारे एग्जाम्पल्स ना आपने क्या करना है, आपने सिर्फ घर पे जाके एक बार सॉल्व कर लेना है, और ये आज ही कर लो, क्योंकि सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना पीछे वाली चीज़ खत्म होती जाएगी, तो इट्स बेटर कि आप आज ही इसको कंप्लीट करो। चलो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पेशल इनकम विथ 115 BAC 1A। सो PGBP 750,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 1 लाख। चलो ट्राई करो। गलत होगा चलेगा, ट्राई करो। एंड आई गेस अब मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी ट्रायल एंड एरर से जो अमाउंट आ रही थी वो निकाल के लिखवा दी। चलो जल्दी प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर। आई थिंक नॉर्मल एंड स्पेशल आप बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। 1 लाख × 15% दैट विल कम टू 15,000 CES, बराबर है। और अपना जो नॉर्मल इनकम है ये आया 7 लाख 50,000 अप टू 6 लाख। कितना आने वाला है बोलो जल्दी से, पहले 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 3 लाख पे 15,000। क्या मैं कह सकता हूँ अप टू 6 लाख, सीधा 15,000 डाल दो। जो भी आपका बैलेंस बचा 1 लाख 50,000, इस पे टैक्स रेट कितना परसेंट, एवरीबॉडी 10%, अगेन इट कम्स टू 15,000, टोटल तेरा आ गया बेटा 30,000 एवरीवन। यस नाउ माय टोटल टैक्स वुड कम टू 45,000। नाउ विल देयर बी रिबेट, आंसर इज नो, HEC एट द रेट ऑफ 4% इफ माई कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग, 46,800 एवरी वन। तो स्पेशल इनकम विल कंटिन्यू टू बी देयर सिर्फ 115 BAC के कारण। अब जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल समझ में आया? चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन सरचार्ज अमेंडमेंट इन 115 BAC 1A, बेस्ड ऑन सरचार्ज अमेंडमेंट 115 BAC 1A, बराबर। चलो
मेरा पीजीबीपी मान लेता हूं मैं 5 करोड़ 20 लाख, बराबर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A मैं मान लेता हूं 1 लाख। चलो ट्राई करो। दिस इज फॉर रॉन्ग, एब्सोल्यूटली करेक्ट। अंडरस्टैंड, सबसे पहले स्पेशल को अलग निकाल लो। स्पेशल को आप अलग निकालोगे दैट विल कम टू 1 लाख इनटू 15%, दैट कम्स टू 15,000। एवरीबॉडी, दिस हैज कम टू टैक्स। सिंस इनकम हैज एक्सीडेड 5 करोड़, कैन आई से इसका सरचार्ज तो यही निकाला जा सकता है एट द रेट ऑफ 15%। इज इट 2250, द टोटल विल कम टू 17,250। एच ई सबका एक साथ जोड़ लेंगे, जो बचा ये बचा नॉर्मल विच इज 5.20 करोड़, बराबर। चलो सीधा सीधा अप टू 15 लाख करके भी निकाला जा सकता है। अप टू 15 लाख टैक्स कितना आने वाला है? 1,50,000। चेक कर लो, पहले 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 3 लाख 15,000, नेक्स्ट 3 लाख 30,000, नेक्स्ट 3 लाख 45,000, नेक्स्ट 3 लाख 60,000। एवरीबॉडी, बैलेंस बचता है आपका 5 करोड़ 20 लाख माइनस 15 लाख, ये आ गया आपका 5.05 करोड़। इस पे टैक्स रेट डायरेक्टली कमिंग्स टू 30%। 1 करोड़ 51 लाख 50,000 प्लस ऊपर के 1.5 लाख, टोटल बन रहा है 1 करोड़ 53 लाख। इस पे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% लगाया ना तूने,
शॉर्ट टर्म चार्ट पढ़, शॉर्ट टर्म पे 15% है, अदर इनकम आया धन में, आ गया स्वाद, बराबर। वहां पे ऐसा लिख, सॉरी अटेम्प्ट लगेगा, ऐसा लिख बाजू में, है ना। उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे में को बुआ ऐसे बुलाएंगे। वन नाइन वन टू 5000 से यस। चलो आई गेस दोनों को जोड़ दो, आपका टोटल टैक्स निकल जाता बिफोर एच ई सी विच कम्स टू 1914250। इस पे एच ई सी जोड़ लो एट द रेट ऑफ 765690। आपका फाइनल आ गया 1,99,07,940। ये अमेंडमेंट के साथ वाला प्रॉब्लम, सारे कॉन्सेप्ट खत्म, सारे कैलकुलेशन क्लियर। ऐसा कोई पॉइंट बचा ही नहीं जिस पे हमने क्वेश्चन ना लिया हो, भले ही इट टुक अस मोर 1 आवर, 1.5 आवर, दैट्स ओके, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। ओ या 6 पॉइंट के लिए आपको पहले के 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे ना, तो आई नहीं थी तब तक के, पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे ना, तब तक को समझ में आएगा। उस पर प्रॉब्लम सॉल्व है हमारे बाकायदा, दो दो वो समझने पड़ेंगे। इज इट डन? चलो आओ इधर आइए। अगर आप नोट्स देखेंगे, नोट्स में भी हमने बना के रखा है, और कुछ चीजें मैं आपसे वापस लिखवाना चाह रहा हूं, तो नोट्स में उधर स्पेस दिया। ये देखो इधर नोट्स में आपको स्पेस दे के रखा है, यहां आप मेरे साथ कुछ चीजें लिखेंगे, ठीक है? ओके, पहले इधर आओ। अगर हम 115 बीएससी की बात कर रहे हैं, बराबर, इंडिविजुअल एचयूएफ, अब ये सेक्शन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? यहां लिखो विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी अदर देन कोऑपरेटिव। जो आपका डीटी का चार्ट है उसमें ये ऑलरेडी मैंने अपडेट करके रखा है, बट आई वॉन्टेड यू टू प्रैक्टिस मोर, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्पेस दे के रखा है, और बुक में बहुत जगह इस तरह का स्पेस है जहां पे आप मेरे साथ वापस उस चीज को लिखते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू मेमोराइज द होल थिंग, बराबर है। इधर आओ, यहां लिखो 115 BAC 1A up to 3 lakhs nil, 3 lakh to 6 lakh 5%, 6 lakh to 9 lakh 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20%, above 15 lakh 30%। यस, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर बुक अभी तक डिलीवर नहीं हुई। डोंट वरी, जब होगी मैं वापस एक बार ओपन कर दूंगा, आप ये लिख देना, अभी आपने रजिस्टर में लिख दिया, दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। इसी के चक्कर में रिबेट अंडर सेक्शन 87A आया, इफ एसएससी ऑप्ट्स फॉर 115 BAC 1A, एसएससी इज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख, रिबेट इज इक्वल टू लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 25,000। ठीक है,
मार्जिनल रिलीफ इन रिबेट, ये भी एक कॉन्सेप्ट आया है. ये तीन ही मेन अट्रैक्शन है इस बार के. बताओ वापस से, इफ नेट इनकम एक्सीड 7 लाख बट नॉट एक्सीड, बोलो बेटा, 727 770, इनकम टैक्स ऑन सच इनकम के नॉट एक्सीड, बोलो बेटा, 7 लाख. फिट हो गए मामा पूरे दिमाग में? चलिए, ये तीन बड़े अमेंडमेंट 115 BAC से रिलेटेड. अब चीजें थोड़ी सी आसान है. क्या करना है सर? बिजनेस इनकम आपका नहीं है, रिटर्न के साथ आपको भरना था. अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आपको रिटर्न के साथ भरना है. वंस सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, ये सारे सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए है. यहाँ पे लिख दीजिए असेसमेंट ईयर 23-24. इस साल से तो क्या हो गया ये डिफॉल्ट. डन. ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड, यस, देयर आफ्टर असेसी शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर द न्यू स्कीम. बताइए ये जो है टैक्स रेट, क्या हम इसे 115 BAC 1 बोल सकते हैं, जो कहां तक चलने वाला था? टिल असेसमेंट ईयर 23-24. क्लियर? सरचार्ज एज मे बी एप्लीकेबल, बट बताइए, डोंट यू थिंक मैक्सिमम 25% रेफर रजिस्टर. क्लियर है मालिक? स्पेशल इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट. नाउ 115 BAC खत्म हो गया. ना मुन्ना, अभी तो शुरुआत हुई है. ना मुन्ना, अभी तो शुरुआत हुई है. 115 BAC इतने जल्दी थोड़ी ना खत्म कर देंगे, काफी बाकी है. अब 115 BAC क्या कहता है? देखिए 115 BAC में कंडीशन क्या थी? असेसी मस्ट बी स्पेसिफाइड. उसका डिफॉल्ट टैक्स स्कीम ये रहेगा, रिटर्न भरने से पहले ऑप्ट करना है. एंड न्यू स्कैम का उसको बेनिफिट तभी मिलेगा व्हेन ही इज रेडी टू लीव सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन. दैट मींस ही हैज टू लीव सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ 115 BAC. वो कुछ बेनिफिट्स नहीं लेगा. अब आप मुझे बोलेंगे कि सर 115 BAC में आप ये बेनिफिट देंगे नहीं तो कोई लेगा क्यों? एक बात समझिए, हर एक जन ये बेनिफिट क्लेम नहीं करता. तो जिसको नहीं करना है उसके लिए आज भी ओल्ड स्कीम एप्लीकेबल है. आप उधर जाओ, क्या तकलीफ है? हम आपको रोक नहीं रहे. सरकार ने आपके पास ऑप्शन दे दिया, आपको क्या करना है? टेक द डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, गो एज पर ओल्ड स्कीम. लीव सम डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, टेक द न्यू स्कीम. एक बात से याद रखिएगा, कुछ तो छोड़ना पड़ता है ना कुछ पाने के लिए. सब कुछ ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा. यस, कि जब तक दूध अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ेगा दही कैसे बनेगा? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना कुछ बनने के लिए. दूध की वैलिडिटी 1 डे, दही की वैलिडिटी 3 डेज. जब तक उसे और नहीं तपाया जाए मक्खन नहीं बनेगा. मक्खन की वैलिडिटी 7 डेज. जब तक मक्खन और नहीं तपेगा तब तक वो घी नहीं बनेगा. घी की वैलिडिटी 30 डेज. सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला, जितना तपोगे उतना लंबा चलोगे. सीखने को तो यही मिल गया ना, कि जितना तपोगे उतना लंबा चलोगे. तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. अब आओ, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अंडरस्टैंड, फॉलोइंग डिडक्शन कांट बी टेकन. मतलब आपको ये चीजें क्या करनी पड़ेगी सर? छोड़नी पड़ेगी. ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी सर? छोड़नी पड़ेगी. पहला आपको बोला जा रहा है लीव ट्रैवल कंसेशन. जरा देखिए, सैलरी में हम लीव ट्रैवल कंसेशन कैलकुलेट करते हैं. मैं अभी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि इनमें से तुमको कुछ भी याद नहीं होगा, तो सिर्फ सुन लेना, ठीक है? आपको लीव ट्रैवल कंसेशन क्या करने हैं? छोड़ के चलने हैं, राइट? हाउस रेंट अलावेंस नाम का अलावेंस था, आपको याद करो, सैलरी के अंदर में HRA बोला जाता था. लोअर ऑफ 3 थिंग, एक्चुअल 50% or 40% ऑफ सैलरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपको HRA भी छोड़ लेना है. आप सोच करके देखिए, क्या हर सैलरीड एम्प्लॉयड वाले को HRA मिल रहा था क्या? नहीं. तो उसके लिए तो बाई डिफॉल्ट में नहीं स्कीम अच्छा हो गया फिर. यस,
सम अलाउंसेज अंडर सेक्शन 1014, 1014 के अंदर में कुछ अलाउंसेज होते थे, याद दिलाता हूँ, वो चिल्लर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ, हॉस्टल अलाउंस 300 पर चाइल्ड पर मंथ, यस, वो भी मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, वो वाली चिल्लर छोड़नी पड़ेगी, यस। एमपी एमएलएस को जो अलाउंस मिलते हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। इसको पता है कौन सा अलाउंस बोला जाता है? डेली अलाउंस। इसको पता है कौन सा अलाउंस बोला जाता है? डेली अलाउंस। ये अलाउंस क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे। अलाउंस रिसीव टू माइनर, याद होगा तो माइनर की इनकम जब भी क्लब होती है 1500 रुपये पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिला करता था, माइनर की इनकम क्लब होती थी 1500 रुपये पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिला करता था, अब वो छोड़ना पड़ेगा। 1500 रुपये पर चाइल्ड का जो एग्जम्पशन है वो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर। एसईजेड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10A 10AA, एसईजेड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA, तो 10AA का जो आपका एग्जम्पशन है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। 10AA का जो एग्जम्पशन है इसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। 10AA क्या था? एसईजेड यूनिट्स को मिलता था, याद दिलाता हूँ मैं आपको, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते थे, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट करते थे हम लोग, राइट, वो छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी चीज है। सैलरी का कोई भी डिडक्शन नहीं। सैलरी में 3 डिडक्शन मिलते थे, याद करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। उसमें से एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता था वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था, प्रोफेशनल टैक्स 2500 रुपये का चिल्लर था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का था, यस। ये तीनों में नहीं लेना, ये तीनों भी क्या करना है? नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपको याद होगा अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता था कितना रुपए बेटा? 2 लाख रुपीज तक का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता था अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता था 2 लाख रुपीज तक के, वो आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन है ये आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, यस yes? अच्छा जी, साथ साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। भाई जी बात समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। उनने एडिशनल कहा, डेप्रिसिएशन नहीं। डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, खुद सेक्शन 32 कहता है, पर एक क्विक थॉट दो, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही तब था जब एसएससी प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहा है, दैट टू न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन। आपको लगता है एक आम आदमी मैन्युफैक्चरिंग में रहता है और उसको ये बेनिफिट मिलता है? वेल द आंसर इज नो। एडिशनल डेप्रिसिएशन बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एसएससी के लिए था, इसलिए बोला भैया उसको भी छोड़ना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर 32AD, 33AB, 33ABA, 32AD तो खैर रहा ही नहीं, उसको डिस्कस करके मतलब नहीं, 33AB, 33ABA याद होगा तो 33AB, 33ABA कौन से सेक्शन थे? वो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, साइट डेवलपमेंट अकाउंट, याद आ रहा है, मिनरल साइट डेवलपमेंट अकाउंट, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, वो वाला डिडक्शंस नहीं लेने हैं। तो वैसे भी हर आदमी टी प्लांटेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता, तो ये डिडक्शन भी छोड़ दो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, वेरियस सेक्शंस ऑफ 35। 35 का सेक्शन याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, पीजीबीपी में साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस डोनेशन टू अदर्स, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन सा आम आदमी साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है? जिनके लिए ये सेक्शन लाया वो तो साइंटिफिक रिसर्च वैसे भी नहीं कर रहा, तो अच्छा है ये डिडक्शन, तो वो वैसे भी क्लेम नहीं कर सकता था। देखो समझ में आएगा क्यों ये कर रहा है वो लोग, वैसे भी ये डिडक्शन वो क्लेम नहीं करता था, क्या फर्क पड़ने वाला है उसको। डिडक्शन अंडर 35AD एंड 35CCC, 35AD की बात चल रही है भाई जी, कौन सी बात चल रही है? 35AD, 35AD क्या था? स्पेसिफाइड बिजनेस। 35AD क्या हुआ करता था बेटा? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या थे वो, याद करके देखो, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, हॉस्पिटल विथ 100 सिंगल बेड्स, याद आ रहा है क्या? उसके बाद में आपका हनी प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, स्लरी पाइपलाइन,
ये सारे सेक्शन था वो 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड 100% डिडक्शन मिला करते थे, तो आपको क्या करना है वो भी छोड़ देना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 फैमिली पेंशन से रिलेटेड, याद दिलाता हूँ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये धुंधला धुंधला याद रहेगा, हाल फिलहाल में हम लिख के रखेंगे। चैप्टर नंबर वन में हमें सिर्फ क्या याद रखना है, इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे चल के एक एक सेक्शन जब भी वापस आएगा मैं आपको लेके आऊँगा, और अंत में हम फिर से 115BAC एंड ये सारे टैक्स कैलकुलेशन रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, डिडक्शंस फॉर फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 57 याद होगा, तो जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में हैं या जो लोग यू नो इसमें थे, किसमें गैलेंट्री अवार्ड जिन्हें मिला था, इनका फैमिली पेंशन टैक्सेबल नहीं था, और जो अदर्स फैमिली पेंशन थे उसमें 15,000 रुपये तक का डिडक्शन मिला करता था, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, वो छोड़ देना, वो नहीं मिलेगा। वैसे भी हर एक को फैमिली पेंशन नहीं मिलता, तो इसको छोड़ने में भी कोई तकलीफ नहीं थी। फ्री फूड बिवरेजेस थ्रू वाउचर्स, जो आपको फ्री फूड और वाउचर्स दिए जाते थे कंपनी के द्वारा, ये आपको क्या करने हैं, छोड़ देने हैं। देखिए अगर इस पूरी लिस्ट को आप ध्यान रखेंगे, अच्छा इसके अंदर में एक और आता है, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जो मैं बोलना भूल गया, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A मतलब ग्रॉस टोटल इनकम के पीछे जो अपन बड़े डिडक्शन क्लेम करते थे, ना होते हुए भी ATC 1.5 लाख, याद आ रहा है ऑफिस में, ना होते हुए भी ATC 1.5 लाख, ATD मेडिकल, ये जो जनरल चीज़ें हैं ये आपको छोड़नी पड़ेगी। सर के चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे, आई एम येट टू फिनिश द सेक्शन, आएगा। ये तो वो लिस्ट है, एक्सप्रेसिव लिस्ट, जो आपको छोड़नी है, और इसके बदले में कुछ चीज़ें हैं जो है आपको अलाउ की गई है कि चलो इसको हम एक्सेप्शन में डालते हैं। पहला एक्सेप्शन है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, आप ये क्लेम कर सकते हो, वैसे भी एग्जाम था टैक्स में से। यस, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द ट्रैवल ऑफ कॉस्ट और टूर, देन डेली अलाउंस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या किया गया है, अलाउ। ऐसे तो चैप्टर 6A के कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे, बट हाँ, 80CCD अलाउ किया है, 80JJA अलाउ किया है, यहाँ पे कॉमा करके 80CCH सबसेक्शन 2 भी लिख दो, 80CCH सबसेक्शन 2 भी अलाउ किया गया है, डोंट वरी, हम इसको रजिस्टर में भी लिख रहे हैं, बस थोड़ा प्यार से, डन। आओ Following deductions are not allowed. Believe me, हम ये एक बार लिख रहे हैं और बचे हुए आगे के जितने सेक्शन हैं सब में ये लिस्ट आपको बाई डिफॉल्ट में याद रहेगी। इन सैलरी, सैलरी में से कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाले, कौन से डिडक्शंस की बात कर रहे हैं हम बताओ जल्दी से। पहला, एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहले वो याद रखो जो सबसे पहले याद रहने वाला है। दूसरा, HRA अंडर सेक्शन 1013A, तीसरा बोलो बेटा लीव ट्रैवल कंसेशन, अंडर सेक्शन 10(5), फिर था फ्री फूड बेवरेजेस, दूसरा है HP, HP में से भी कुछ चीजें छोड़नी है, बोलो क्या, IOBC इन केस ऑफ SOP, IOBC इन केस ऑफ SOP अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, P
पीजीबीपी, फर्स्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1), सेकेंड स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35(AD), एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35(CCC), एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35(CCC), अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 32(AD), 33(AB), 33(ABA), डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल गेन को कोई सैक्रिफाइस नहीं करना, सीधा IFOS। वैसे याद हो तो कैपिटल गेन में सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ है भी नहीं। फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 57, याद होगा तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA(SEZ), सेकेंड 1032 रुपीज 1500 फ्रॉम माइनर्स इनकम, ऐसा चैप्टर वाइज स्पेसिफिकली अलग किया आपको क्लियर कट समझ में आता कौन से चैप्टर का क्या छोड़ना है जीवन में। यस 1017 डेली अलाउंस ऑफ MPMLA, डिडक्शन एनी डिडक्शन इन चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80CCD2, 80JJAA, 80LA, 80CCH सबसेक्शन 2। LA थर्ड बोल रहे हो ना, सेकेंड इज 80JJA, थर्ड इज 80LA, सबसेक्शन 2। दिस डील्स विथ पेंशन, दिस डील्स विथ एम्प्लॉयमेंट, दिस डील्स विथ बैंक विच इज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। इसको खाली छोड़ दो। डन है, इतने डिडक्शन आपको क्या करने हैं भाई साहब, छोड़ देने हैं। अलाउड टू क्लेम, अलाउड टू क्लेम बताओ क्या अलाउड है। पहला जो जिससे फर्क पड़ता है डेप्रिसिएशन, बराबर है,
deduction specified in chapter 6A, 80JJAA, 80LA, 80CCD, 80CCH. Third, डन. थर्ड बोलो, इन सैलरी क्या क्या अलाउड है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस. हाँ जी, डेली अलाउंस इज एन अलाउंस जब हम किसी एम्प्लॉय को बाहर भेजते हैं आउट ऑफ द प्लेस. जैसे पुणे का एम्प्लॉय है, हमने उसको मुंबई भेजा है फॉर द पर्पज ऑफ 3 डेज, तो उसके वहाँ के डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम उसको एक अलाउंस देते हैं. वी कॉल्ड इट एज डेली अलाउंस, रोज का भत्ता जिसे हिंदी में कहा जाता है, मजदूरी भत्ता. डन है जी? ओके. यस. इसके साथ साथ लॉ एक और बात बोलता है, विच इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पूरा सेक्शन. वी हैव टेकन अ होल लेक्चर ऑन जस्ट 115 BAC. कल का लेक्चर देखना आप, स्ट्रेट अवे बचे हुए 4 सेक्शन जूप 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 होंगे, बिकॉज आपने सबसे ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया. बचे हुए 4 सेक्शन आराम से स्पीड में खत्म होते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. फर्दर, लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू अबव सेक्शंस शैल नॉट बी सेट ऑफ नॉर अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड. Losses and unabsorbed depreciation shall not be losses and unabsorbed depreciation related to above sections shall not be set off nor allowed to be carried forward. इतना मस्त प्रोविजन बनाया. देखो, इनको पता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कि ये जो लोग है ना, ये बड़े नालायक है, ये क्या करेंगे पता है? जैसे ही ये सेक्शन आएगा, सेक्शन का तो बेनिफिट ले लेंगे, और इनसे रिलेटेड लॉस बचा है, इनसे रिलेटेड लॉस बचा है, तो वो क्या करेंगे? राइट, वो स्ट्रेट अवे यहां से लॉस भी सेट ऑफ कर देंगे और अपना प्रॉफिट भी रिड्यूस कर देंगे. सरकार ने एक प्रोविजन इंसर्ट कर दी, इससे रिलेटेड लॉस जो ऊपर के सेक्शन है. जैसे ऋतुजा मुझसे एक सवाल पूछ रही है, सर क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है या नहीं है? बेटा, जब हमने लिख दिया एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसका मतलब यह है ना तो यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, ना यहां पे एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड है, ना यहां पे प्रोफेशनल टैक्स अलाउड है. इसमें तीनों भी चीजें आती थी, इसमें तीनों भी डिडक्शन नहीं दे रहे. इन शॉर्ट, सैलरी टोटल जब सैलरी कंप्यूट कर दे, उससे रिलेटेड डिडक्शन बिल्कुल नहीं देने वाले हम. बराबर, सरकार ने एक और बात कर दी भैया, ऊपर
पर के किसी भी सेक्शन के कारण कोई अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस है या कोई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है इन सेक्शंस के वजह से, उतना अनएब्जॉर्ब्ड लॉस और डेप्रिसिएशन हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। बचाव आप बिल्कुल कर लो, बचाव आप क्या कर लो, बिल्कुल कर लो, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। इज दिस डन? चलिए, 115 बीएसी खत्म हुआ। अब आप मेरे साथ पूरा रिवाइज करेंगे। मैं चाहता हूं आप एक बार जितना हमने 115 बीएसी लगाया पूरा एक बार पढ़ो, पूरा एक बार पढ़ो। सिर्फ कंटेंट पढ़ना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम घर जाके आप करोगे। सिर्फ कंटेंट पढ़ो, डन डन। चलो रिवाइज विथ मी। अब हम सिर्फ 115 बीएसी रिवाइज करेंगे। दो स्कीम थी, ओल्ड न्यू। कल तक हम थे ओल्ड स्कीम में, आज आ गए न्यू स्कीम में। एसएससी कौन होना चाहिए इस साल से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस साल से ये स्कीम डिफॉल्टेड स्कीम है। आपको ऑप्ट करना है ओल्ड में तो ऑप्ट करना पड़ेगा। ऑप्ट कब करना पड़ेगा ओल्ड में? रिटर्न भरने से पहले। बिजनेस इनकम नहीं है, हर साल आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बिजनेस इनकम है, एक बार डिसाइड कर दो चले जाओगे। ऑप्शन एक ही बार है विड्रॉ होने का, उसके बाद वापस नहीं हो पाएगा, ठीक है? अच्छा जी, इस स्कीम में अगर आप आ गए तो क्या टैक्स रेट है? अगर आपको याद हो, इस स्कीम में अगर आप आ गए तो इस बार टैक्स रेट बदल गए। वो बदल गए, क्या बदले सर? द न्यू स्लैब रेट्स अंडर 115 बीएसी 1A इज अप टू 3 लाख नील, 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, देन डायरेक्टली 30%। स्पेशल इनकम टैक्स दैट स्पेशल रेट, यस सरचार्ज 50 लाख तक के निल, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, एनी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, एनी इनकम अब 2 to 5 करोड़ 15%, 25%, 5 करोड़ अबव 15%, 25%। सो आई कैन से अबव 2 करोड़ 15% एंड 25%। इफ नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रही तो आपके लिए 15% एंड 15%, क्लियर है? एच ई सी विल कंटिन्यू टू बी एट, बोलो जल्दी से, 4%। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको स्कीम के अंदर में रहना है, अगर आपको स्कीम के अंदर में रहना है तो अब आपको रिबेट भी मिलेगा। यस और नो? रिबेट इज अंडर सेक्शन 87A विच हैज गॉट अमेंडेड। क्या था रिबेट? असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख। याद रखे, ओल्ड स्कीम के लिए लिमिट है 5 लाख, न्यू स्कीम के लिए लिमिट है 7 लाख। द रिबेट इज लोअर ऑफ 100% और 25,000, विच एवर इज लोअर। फर्दर, अब अगर इनकम स्लाइटली 7 लाख के ऊपर जा रही होगी तो क्या मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा? रिबेट में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, यस रिबेट में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इसके ऊपर हमने लॉजिकली 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। आज जितने प्रॉब्लम भाई साहब सॉल्व कराए ना, चुपचाप घर पे जाके सॉल्व कर लेना, तुम्हारे को इशू ही नहीं रहने वाला टैक्स में। लेकिन कल पर डिले कर दिया तो फिर ना हो पाएगा, ये लेक्चर फिर से देखना पड़ेगा पूरा। हाँ जी, तो जल्दी से बताइए रिबेट क्या आया? अगर 7 लाख के ऊपर इनकम है बट 727 से नीचे है तो आपको रिबेट भी देना पड़ेगा। रिबेट के रिबेट में मार्जिनल रिलीफ भी देना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी कल ही सिखा दिया, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया आपका जो ये सेक्शन है इसमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। सैलरी में क्या छोड़ना पड़ेगा? कोई डिडक्शन सेक्शन 16 का नहीं मिलने वाला, HRA नहीं मिलने वाला, लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, फ्री फूड बेवरेजेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, HP में IOBC का जो लॉस है, IOBC का जो 2 लाख तक का इंटरेस्ट है वो नहीं मिलने वाला। PGBP के अंदर में 4 चीज़, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट CCC,
32 AD, 33 AB, 33 AB, and डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। कैपिटल गेन को कुछ लूज नहीं करना। IFOS में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन के तीन सेक्शन नहीं मिलेंगे, 10AA, 10A17 and 10A32, जिसमें से काम के पहले दो है, राइट। फिर डिडक्शंस, डिडक्शंस में से कोई डिडक्शन नहीं मिलता चैप्टर सिक्स से का, ना 80C, ना 80U, ना 80E, पर हाँ तीन मिलते हैं, 83 80CCD सबसेक्शन 2, 80JJAA, हाँ 80LA and CCH, क्लियर है। ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी तो जाकर के आपको ये बेनिफिट मिलेगा। याद रखें, इससे आने वाला लॉस, इन सेक्शंस के कारण अगर कोई लॉस या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उतना लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बचा हुआ हो जाएगा। पक्की बात, पक्की बात, पक्का समझा? बोलो नहीं समझा, फिर एक बार पढ़ेंगे। बोलो नहीं समझा, फिर एक बार पढ़ेंगे। स्टार्ट अगेन। हाँ एसएससी कौन होना चाहिए? पिछले साल तक के, यहाँ पे सिर्फ दो ही से लोग कवर थे, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हो आवाज़ निकालो। इस बार एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, अदर देन कॉर्पोरेट। रेसिडेंट होना, नॉन रेसिडेंट होना, दोनों चलेगा क्या? ये स्लैब रेट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है। बहुत बढ़िया। तो ये सेक्शन इस साल से डिफॉल्टेड है। जब तक प्रॉब्लम में नहीं बोला तब तक के ओल्ड स्कीम में जाने का नहीं। नया स्लैब रेट क्या है? 115 BAC 1A, दिमाग में सेट कर लो। 1A इज अ न्यू स्लैब रेट। तीन तक के, तीन से छः, छः से नौ, नौ से बारह और पंद्रह से ऊपर 30%। स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट HEC एट द रेट ऑफ सरचार्ज 2 करोड़ के ऊपर, 4 इनकम पे 15, अदर इनकम पे 25, बाकी सब सेम, क्लियर है। अच्छा जी, आपको सैलरी से 4 डिडक्शन छोड़ने हैं। पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लोगे, HRA नहीं लोगे, लीव ट्रैवल नहीं लोगे, फूड बेवरेजेस नहीं लोगे, HP से एक छोड़ना है, IOBC से आने वाला लॉस, PGBP में 4 छोड़ने हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, 32AD, 33AB, 33AB नहीं मिलेगा, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन में कुछ लूज नहीं करना, IFOS में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन में 3, 10AA, 10A32 माइनर वाला, 10A17 MPMLA का डेली अलाउंस, ठीक है। डिडक्शन में पूरा डिडक्शन चैप्टर 6A का नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 4 मिलेंगे। कौन से 4 मिलेंगे? ATCCD, JJAA, LACCH, ठीक है। इन सेक्शन से आने वाला लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी ना सेट ऑफ हो पाएगा, ना कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। इसके अलावा कोई अदर लॉस रहेगा, बिल्कुल सेट ऑफ कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मालिक? पक्का दिल में बैठ गया? रात में कोई चद्दर खींच के भी पूछेगा तो बता पाओगे? नहीं नहीं बता पाओगे। एक बार और रिपीट करो, चलो। एक बार और रिपीट कर लो, चलो। बोलो बोलो, असेसी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? कोई भी चलेगा। एज कुछ भी हो, इस सेक्शन में स्लैब रेट सेम है, इस सेक्शन में आने वाली स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, HEC इज एट द रेट ऑफ 4%। स्लैब रेट क्या है इस सेक्शन का? 3 लाख तक नहीं, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर 30%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सेक्शन बाय डिफॉल्ट सेक्शन है, आपको नॉर्मल ओल्ड टैक्स स्कीम को ऑप्ट करना है अब, क्लियर, रिटर्न भरने से पहले। ये सेक्शन किसके लिए है? एसएससी कौन होना? HUF, AOP, BOI, AJP, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिडक्शन में क्या छोड़ना है? मैंने सर फोड़ देना है। डिडक्शन में क्या छोड़ना है? एग्जम्पशन नहीं पूछा मैंने, डिडक्शन एग्जम्पशन से पूछा। एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 4, ATCCD, JJAA, LACCH, ठीक है। एग्जम्पशन से 3 छोड़ने, 10AA, 10A32,
10-17 IFOS से एक छोड़ना है, फैमिली पेंशन, क्लियर है? पीजीबीपी से 5 एडिशनल डेप्रिसिएशन, स्पेसिफाइड बिजनेस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, 32AD, 33AB, 33AB है, साइंटिफिक रिसर्च, HP से एक छोड़ना है, IOBC अंडर द SOP, सैलरी से 4 छोड़ने हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, लीव ट्रैवल, फूड बेवरेजेस, HRA, ठीक है? पक्का इन सेक्शन के कारण आएगा लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड एप्रिसिएशन, ना सेट ऑफ हो पाएगा ना कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। सॉर्टेड है ब्रो, पक्की बात? आरो आरो। इसके अलावा रिबेट असेसी शुड बी, ही शुड बी द रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, रिबेट इज लोअर ऑफ 100% और 25,000। रिबेट के साथ मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, मैक्सिमम इनकम 727,770। क्लियर है ब्रो? पक्का? एक मिनट, रात में अगर कोई पलटा के पूछे तो भी याद आएगा? पक्का? चलो एक बार रिवाइज करवाओ। सपोज मैं ही वो दोस्त हूँ तुम्हारा जो तुमको रात में पलटा के पूछ रहा है, ए भाई सुना, हाँ असेसी कौन होना चाहिए 115 BAC में? मतलब इतना याद करता लो ना इस चेंज को कि अगली बार कोई पूछे और तुमने पूरा सेक्शन ही मुंह पे फेंक के मारने का। हाँ, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, हाँ बराबर, हाँ जी, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का फर्क नहीं है, स्लैब में कोई चेंज आने वाला नहीं है, न्यू स्लैब रेट इज 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 15 से ऊपर, स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट HEC एट द रेट ऑफ 4% आने वाला है, रिबेट 7 लाख तक के, मार्जिनल रिलीफ भी रहेगा रिबेट के साथ साथ, ठीक है? सैलरी में 4 चीज छोड़नी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA, लीव ट्रैवल, फूड एंड बेवरेज, HP में 1 चीज छोड़नी है, IOBC, PGBP में 5, एडिशनल डेप्रिसिएशन 35AD, 35CCC, साइंटिफिक रिसर्च 32AD, 33AV, 33AVA, कैपिटल गेन को कुछ लूज नहीं करना, IFOS में फैमिली पेंशन, एग्जम्पशन में 3, 10AA, 1032, 1017, हाँ, और इसमें डिडक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा 4 छोड़ करके, ठीक है? इनसे आने वाला लॉस और डेप्रिसिएशन ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। सॉर्टेड है ब्रो? थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर के अंदर। कल संडे है, संडे के दिन